हेलो जैन दोस्तों मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का जीके जी सी ए विशाल सर पे, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों डेली मॉर्निंग में सुबह पांच बजे आप सभी लोग मेरे साथ भारत के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक डेली करंट अफेयर की क्लास को कवर करते हो तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑन टाइम पे करेक्ट पांच बजे जीके जी एस सी ए वाई विशाल सर पे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आपको पता है एस एस से संबंधित हमारी पहली मैराथन कवर हो चुकी है और जैसा कि आपको दोस्तों पता है दिल्ली पुलिस की आंसर की आ चुकी है तो हमारा भाई भी अपनी आंसर की दिखाएगा लेकिन अभी नहीं दिखाएगा जब तक आप लोग कौन की कमेंट ये नहीं आए कि सर आप अपनी भी आंसर की दिखाओ तब हम दोस्तों आपको अपनी आंसर की भी दिखाएंगे, तो से दिखाओ क्योंकि साथ में दिखाई हो जो टीचर खुद पढ़ा रहा है अगर वो अपनी आंसर की दिखाए कि बेटा मैंने भी पेपर दिया था मेरे खुद इतने नंबर आए हैं तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी और क्या उसके नंबर इतने कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाए या क्या उस टीचर के

स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के के आज के को जैसा कि आपको पता है दोस्तों डेट आज की है दिसंबर महीने की और दिसंबर महीने का दोस्तों याद रखना आज की जो डेट हो जाती है वो जाती है दोस्तों आपकी चार तारीख यानी कि आपकी चार दिसंबर 2023 की आज की डेट है तो चार दिसंबर 2023 को आपका स्वागत है चलते हैं दोस्तों आज के सेशन पे एक नई खुशखबरी के साथ में सबसे पहले बात करें तो दोस्तों हम आपसे हमेशा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस जिंदगी में इस दुनिया में मम्मी पापा का आशीर्वाद दोस्तों कभी मत छोड़ना मम्मी पापा के आशीर्वाद से हम आज दोस्तों यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ तक लाने में मुझे एक चाणक के दोस्तों मिला है और आपको भी चाणक मिल, मिलना चाहिए अगर आपको एक चाणक मिल जाए जो आपको गाइडेंस दे दे तो आप दुनिया के दोस्तों किसी भी कोने में रहकर आप अपने सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हो आप अपना सिलेक्शन दोस्तों ले सकते हो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको से आपके आपके सिलेक्शन से रोक दे हमेशा हमेशा याद रखना और सरस्वती माता साथ में है अगर आप एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो सुनाओ आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन तीन स्टूडेंट की जो इस इस क्लास के टॉप ऑफ द थ्री स्टूडेंट रहे हैं एक का नाम है दोस्तों याद रखना आपके कार्तिक जी एक का नाम है हमारे अभिजीत दास और एक का नाम है गुड़िया कुमारी ये टॉप टॉप वो स्टूडेंट हैं हैं जो दो दिसंबर के स्टूडेंट्स में आए अगर आप भी टॉप थ्री में आना चाहते हो तो यूट्यूब पर सबसे पहले कमेंट आनी चाहिए तो आप लोग दोस्तों टॉप में आओगे इसके साथ में आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाल ही में किस दिन भारतीय नौसेना नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों के लिए भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है जैसा कि आपको पता है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को भारतीय नौसेना दिवस के साथ में यानी कि दोस्तों याद रखना आपका इंडियन नेवी डे आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इंडियन नेवी डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है इंडियन नेवी डे की शुरुआत कैसे होती क्यों होती क्या होती है सब कुछ दोस्तों आपको आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन नेवी पर और दिवस के साथ स्टार्ट करेंगे तो इंडियन नेवी जी बस आपको दोस्तों पता है मनाया जाता है लेकिन थोड़ी जानकारी देख लो सबसे बड़ी जब आपके नेवी की बात आती है तो ये एक युद्ध के साथ में दोस्तों ये किसका युद्ध होता है ये याद रखना युद्ध आपका भारत और पाकिस्तान का ये बात आती है आपके दोस्तों वन नाइनटी 1971 में और ऑपरेशन दोस्तों विभिन्न प्रकार के चलाए गए थे जैसा कि आपको आपको पता है लेकिन इस ऑपरेशन में हमारे भारत के द्वारा दोस्तों नेवी के द्वारा भी एक ऑपरेशन चलाया गया था अगर आपसे पूछा जाए नेवी ने दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया था तो उस ऑपरेशन का जो नाम होगा उस ऑपरेशन का नाम होगा याद या रखना दोस्तों आपका ट्राई डेट एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था दोस्तों ट्राइडेट इस ऑपरेशन के साथ में दोस्तों यह कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष इनकी उपलब्धियों और साथ में ऑपरेशन की उपलब्धियों के तहत चार दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग दोस्तों नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जो नेवी डे प्रत्येक वर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है चार दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष चार दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष नेवी डे के दोस्तों रूप में सेलिब्रेट करते हैं ऐसे आपको यह क्वेश्चन याद रखना है इसी प्रकार से बात की जाए इसमें अहम फैसला क्या हुआ था उन्नीस में दोस्तों उन्नीस में युद्ध हुआ था इसमें पाकिस्तान हारा था और इस युद्ध में दोस्तों एक नया देश बना जिस देश का नाम आप लोग दोस्तों याद रखना बांग्लादेश के जिस देश का नाम आप लोग बांग्लादेश के रूप में जानते हो कि उन्नीस सौ इकहत्तर में पूर्वी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश नामक एक नया देश बन चुका था दूसरी बात अगर आपके पेपर में पूछ दिया जाए हमारे भारत के अंदर दोस्तों ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको भारतीय जिसको भारतीय नौसेना का दोस्तों जनक कहा जाता है अगर आपके पेपर में पूछ दिया जाए पेपर में पूछ दिया जाए भारतीय नौसेना का जनक कौन है भारतीय नौसेना का जनक दोस्तों किसको कहा जाता है तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा दोस्तों छत्रपति शिवाजी किसको कहा जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है अगर आपके पेपर में यह क्या यह पूछ दिया जाए कि सर जी हमारी जो भारत की नौसेनाएं हैं इसकी कुल कमानें कितनी है इत्यादि इत्यादि क्या दें लेकिन रुकना कमान बताने से पहले में आपको एक पॉइंट बताते हैं

तो इंडियन नेवी का जो मुख्यालय है ये आपके दिल्ली में है अगर आपके पेपर में कह दिया जाए इंडियन नेवी दोस्तों कितने कलर्स का प्रयोग करती है इंडियन नेवी दोस्तों तीन कलर्स का प्रयोग करती है वो नर, वो कलर कौन कौन से हैं एक कलर का नाम आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवी ब्लू सबसे महत्वपूर्ण है इसके साथ में एक कलर जो आपको याद रखना है दोस्तों व्हाइट कलर है और एक कलर आपको याद रखना है गोल्ड इन तीन कलरों का प्रयोग इंडियन नेवी के द्वारा दोस्तों किया जाता है अगर आपके पेपर में क्या दिया जाए वर्तमान में दोस्तों चीफ का नाम क्या है तो चीफ जो है उनका नाम दोस्तों हो जाता है आर हरी उनका नाम है आर हरी आर हरी कुमार अगर आपके पेपर में पूछा जाए आर कुमार कौन से नंबर के चीफ हैं दोस्तों नेवी के तो आपको याद रखना है पच्चीसवें नंबर के दोस्तों चीफ आपके हो जाते हैं तुम्हारे तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि हाल ही में इसी इंडियन नेवी के पूर्व दोस्तों पूर्व जो थे चीफ जिनका नाम था दोस्तों सुनील लांबा सुनील लांबा को दोस्तों पहली बार किसी देश ने एक अवार्ड दिया इंडियन नेवी में सर किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया तो आपको याद रखना यह पुरस्कार दिया गया था सिंगापुर देश के द्वारा सर कौन सा पुरस्कार दिया गया तो सिंगापुर ने याद रखना दोस्तों टेन टेरा अवार्ड कौन सा टेन टेरा टेन टेरा अवार्ड दिया अगर यह पूछा जाए टेन टेरा अवार्ड दोस्तों किस देश के द्वारा दिया जाता है

भारत के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना कर दी गई थी अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे नौसेना दिवस आपको यहां पर कुल पता पता चल चल जाता जाता है 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 क्या आंसर है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ आपको पता चल जाता है। आज की ही दोस्तों एक और करंट अफेयर आपके सामने आएगी हाल ही में दोस्तों हमारे भारत के अंदर एक महासागर अभियान का शुभारंभ किया गया है हाल ही में हमारे भारत के अंदर दोस्तों लॉन्च किया गया उसका नाम आपको याद रखना है महा एस ए जी ए आर महासागर यह भारत के अंदर दोस्तों एक प्रकार का महासागर एक प्रकार का हमारे भारत के अंदर दोस्तों हाल ही में एक अभियान शुरू कर दिया गया है अच्छा इस अभियान का आपको फुल फॉर्म हमेशा याद रखना पड़ेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कितने देशों में लॉन्च किया गया यह भी आपके पेपर में पूछेगा तो हाल ही में दोस्तों याद रखना रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बिल्कुल भी हल्के में रिसेंटली इसको दोस्तों बिल्कुल भी हल्के में मत लेना किन किन देशों में किया गया इसके अंदर दोस्तों कुछ देश हैं जिनका नाम आपका हो जाता है एक तो आपका दोस्तों बांग्लादेश इसके अंदर शामिल है इसमें एक देश है जिसको आप लोग के रूप में जानते हो इसके अंदर देश है दोस्तों जिसको आप लोग केनिया के रूप में जानते हो इसके अंदर एक देश है दोस्तों जिसको आप लोग मेडागास्कर के रूप में जानते हो कौन सा देश सर मेडागास्कर के रूप में जानते हो एक और देश जिसको आप लोग दोस्तों मालदीव्स के रूप में जानते हो एक और देश जिसको आप लोग जिसको आप लोग मोजाम्बिक के रूप में जानते हो किस रूप में मोजाम्बिक के रूप में एक और देश जिसको आप लोग एस एच ई डबल एस डबल एल से सेल्स के रूप में जानते हो एक और देश जिसको आप लोग दोस्तों श्रीलंका के रूप में जानते हो और एक अंतिम देश हम आपको बता दें दोस्तों जिसका नाम है तंजानिया एक देश आपका दोस्तों तंजानिया इतने देशों में इसको लॉन्च किया गया याद रखना महासागर को भारतीय नौसेना के द्वारा एक बात यहाँ पे आएगी इसका दोस्तों फुल फॉर्म भी है इसका फुल फॉर्म क्या है सर आपको हम बता दें दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो होता है सबसे पहले एम ए एम ए का यहाँ पर मतलब होता है मेरी फुल फॉर्म ध्यान रखना एम ए का मतलब होता है दोस्तों एक मिनट

आर ई जी आई ओ एन हमारी भारतीय नौसेना ने महासागर को लॉन्च किया कितने देशों में तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ देशों में लॉन्च किया देशों के नाम है बांग्लादेश केन्या आपका मालदीव मोजाम्बिक मोजां्बिक श्रीलंका और महासागर मासागर का, फुल क्या? का मतलब ऑल मतलब मतलब एक मतलब एक मतलब 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 और, और आर का मतलब यहाँ पर रीजन हो जाता है मतलब इन देशों के साथ में जितने रीजन है उन सबकी सुरक्षा करना इनका एक महत्वपूर्ण टारगेट बन जाता है यह पॉइंट आपको आपको से याद रखना है दोस्तों एक फाइनली एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया बाकी सारे कवर अगर आपसे कह दिया जाए इंडियन नेवी के दोस्तों अगर आपके पेपर में यह कह दिया जाए इंडियन नेवी की कुल कमाने कितनी है कुल कमांड होती है ना दोस्तों तो कुल मान कितनी है इंडियन नेवी की तो आपको याद रखना है इंडियन नेवी की दोस्तों सिर्फ और सिर्फ तीन कमान है तीनों कमानों के मुख्यालय कौन से है तीनों कमानों में अपॉइंटमेंट क्या है वो शाम को में पढ़ाएंगे अभी के लिए इतना ही एक कमान का नाम दोस्तों वेस्टर्न इसका मुख्यालय मुंबई में है एक कमांड आपकी साउथर्न नेवल है इसका कमांड आपका कोची में है और एक कमान दोस्तों आपकी ईस्टर्न नेवल कमांड है इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह आपको विशाखापट्टनम में देखने के लिए मिल जाएगा इस प्रकार से तीनों के तीनों कमांड आपकी कवर हो जाती है इसी प्रकार से ये रहा दोस्तों आपके सामने महासागर जो आपने जस्ट मेरे साथ दोस्तों अभी कवर कर लिया प्लीज इसको भूलना मत ये इतना जरूरी है सोच लो कितना जरूरी है बहुत है बहुत इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और छोटा सा वो ये एक दिसंबर को था, पढ़ा नहीं थे, तो याद एक दिसंबर क्यों उस दिन पढ़ा ही नहीं पाए थे क्यों मुझे नहीं पता तो याद रखना उनहत्तरवा हाँ आप लोगों से एक छोटी सी मेरी गुजारिश होगी कि जब मेरा पेपर था उस दिन मेरी क्लास रिकॉर्डेड चली थी आपको कुछ पता भी नहीं चला उसके लिए सभी लोगों के लिए सॉरी कभी कभी ऐसा होता है और हम पहले क्योंकि मुझे जल्दी से निकलना पड़ा था वहां से तो दिल्ली में, में मेरा सामान सब पड़ा है तो वहां जाके वो सारा सामान अपने दीदी के पास पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर क्या हो गया है किराया रेंट बहुत ज्यादा लग रहा है मेरा

पूरे क्वेश्चन खत्म और लास्ट सिक्स मंथ के इंपॉर्टेंट दिवस थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये लेकिन कोई बात नहीं सर जी अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस का मनाया जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष एक मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रॉस दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस आठ मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस याद रखना इलेवेंथ ऑफ मई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस याद रखना प्रत्येक वर्ष ग्यारह जुलाई को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है दोस्तों तो याद रखना आपके उनतीस अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं मेरे दोस्तों तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं सॉरी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों तो याद रखना है आपको 27 सितंबर को विश्व विश्व पर्यटन दिवस विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों तो याद रखना सोलह अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे याद रखना ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों तो याद रखना 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सर राष्ट्रीय दुख दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय दुख दिवस प्रत्येक वर्ष याद रखना दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है ये हो गया डाटा तो 1 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस दिवस उन्नीस अगस्त को मनाते हैं विश्व मानवतावादी दिवस सत्ताईस सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस सोलह अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस चौबीस अक्टूबर को मनाते हैं दिवस ग्यारह नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और छब्बीस नवंबर को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय

उसके बाद नेवी की कमाने पता चल गई और लास्ट सिक्स मंथ का रिविजन हो गया खत्म लोड मत लिया करो कि सर इतना कैसे याद करें कुछ है ही नहीं उसमें मेरी भावनाओं को समझो बस अगला देखो दूसरा हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अब इस क्वेश्चन को देखना इस क्वेश्चन में हम तुम्हें पूरा भारत घुमा देंगे कैसे देखो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल विरासत की सुरक्षा में जल इतिहास उत्सव का किया है शुभारंभ जल इतिहास उत्सव हमारे भारत के अंदर दोस्तों मनाया गया बताइए कौन सा उत्सव है जल इतिहास पहली बार हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसा महोत्सव दोस्तों मनाया जा रहा है जिसका नाम हो जाता है जल इतिहास ठीक है जल इतिहास एक प्रकार का दोस्तों उत्सव है जल इतिहास एक प्रकार का उत्सव है जो दोस्तों हमारे भारत के अंदर घोष किया जा रहा है सबसे बड़ी बात इसको भारत के किस राज्य के अंदर इसको भारत के राज्य नहीं दोस्तों आपको याद रखना है भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इसको घोष किया गया सबसे पहले आपको यह याद रखना है इसका शुभारंभ किसने किया दोस्तों इसका शुभारंभ आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है सक्सेना जी का नाम आपको दोस्तों याद रखना है फ्रॉम डेहली लेफ्टिनेंट गवर्नर दूसरी बात आपको मैं पे बता दे दोस्तों जब इस अभियान का शुभारंभ किया गया किसके तहत किया गया तो याद रखना है दोस्तों मिशन लाइफ के तहत किसके तहत किया गया मिशन एल आई एफ ई मिशन लाइफ के तहत किया गया मिशन -E, लाइफ के तहत किया गया यहीं पर लिख लेना मिशन लाइफ जो है वो कहां कहां चलाया जा चुका है लाइफ याद रखना हमारे भारत के राज्य गुजरात में और भारत का पड़ोसी देश जिसका नाम है दोस्तों याद रखना बांग्लादेश बांग्लादेश दो दो स्थानों पर दोस्तों हमारे भारत की से चलाया गया एक गुजरात और एक आपका दोस्तों बांग्लादेश दूसरी बात आपको याद रखनी है दोस्तों इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट आपका निकल के आएगा किसके द्वारा चलाया गया इसको चलाया गया दोस्तों याद रखना जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस मंत्रालय की सहायता से तो याद रखना दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय मिनिस्टर का नाम क्या है दोस्तों अगर जल शक्ति मंत्रालय के आपके पेपर में मिनिस्टर पूछ दिए जाए तो दोस्तों मिनिस्टर का नाम आप लोग याद हो तो याद रखना आपको गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर को जन का जो नाम है वो हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत तो गजेंद्र सिंह दोस्तों याद रखना जी की सहायता से विनय सक्सेना ने दोस्तों इसका शुभारंभ कर दिया है इतना डाटा आपका दोस्तों क्वेश्चन में कवर होता है इसमें हो इसमें क्यों मनाया गया तो याद रखना जल विरासत की जल जो पानी है दोस्तों विरासत में ही तो मिला है आपको तो जल विरासत की सुरक्षा जल जो विरासत है जल जो विरासत है दोस्तों इसकी कुल सुरक्षा करो और ये सुरक्षा कौन करेगा दोस्तों ये सुरक्षा भारत का युद्ध करेगा तो भारत के युद्ध में दोस्तों जागरूकता पैदा करने के लिए जल इतिहास उत्सव नामक एक प्रकार के सेटअप को दोस्तों स्टार्ट किया गया बस ये आपके सामने क्वेश्चन था दूसरी बात आपको याद रखनी है किस स्थान पर हुआ है दोस्तों तो इसका शुभारंभ आपको याद रखना है स्टार्टिंग इसकी हुई है एक दिसंबर स्टार्टिंग इसकी हुई है एक दिसंबर एक दिसंबर 2023 को कहां पर हुई है दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखना आपके मेहरौली कहां पे हुई है तो याद रखना आपके मेहरौली में इसका शुभारंभ याद रखना आपके मेहरौली में किया गया मेहरौली में दोस्तों किस स्थान पर मेहरौली की देख, दोस्तों याद रखना आपके जहाज महल मेहरौली में स्थापित है एक आपका जहाज महल तो के दोस्तों जहाज महल में इसका शुभारंभ किया गया और जहाज महल में एक तालाब है दोस्तों जिस तालाब का नाम है समसी तालाब तो याद रखना ये भी क्वेश्चन आपके ये भी क्वेश्चन आपके समसी तालाब में तो जा तो याद रखना है कि मेहरौली के जहाज महल में समसी तालाब में दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया अगर आपके पेपर में कहा कहा जाए दोस्तों ये कब तक चलने वाला है कब तक नहीं चलने वाला है बस यहीं पे आपका फेस्टिवल जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा क्लियर हो गया

सबसे पहला क्वेश्चन वर्तमान में गंगा उत्सव का शुभारंभ किया गया था वर्तमान में याद रखना गंगा उत्सव का सातवा संस्करण गंगा उत्सव का दोस्तों याद रखना जो सातवां संस्करण था इसका शुभारंभ भी आपके गुजरात इसका शुभारंभ भी आपके दिल्ली के अंदर दोस्तों किया गया था ये भी आप अपने कॉपी में टीप के लिख लेना दिल्ली में किया गया था गंगा उत्सव के सातवें संस्करण का शुभारंभ आगे बढ़ जाओ सर जी अगले पॉइंट पढ़ते हैं ये रहा आपके सामने एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट कौन कौन से जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं ध्यान से मेरी बात दोस्तों सुनना सबसे पहले हमारे भारत के अंदर जब बात की जाती है दोस्तों वाटर की जब बात की जाती है आपकी पानी की तो पानी से संबंधित भारत के अंदर जो भी उत्सव मनाए जाते हैं इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है कैच द जिस अभियान का नाम है कैच द रेन याद आया सबको अभियान का नाम सबसे पहले कैच द रेन आपको दोस्तों याद रखना है इसी प्रकार से अगर आपके पेपर में पूछा जाए अगर आपके दोस्तों पूछा जाए कि जब आपका एक उत्सव जो मनाया जा रहा है ये वाला ये उत्सव मनाया जा रहा है यहां पर दोस्तों एक गाना भी गाया गया है यहां पर एक गाना भी गाया गया सर उस गाने का नाम क्या था जो गाना था दोस्तों उसका नाम था फ्लोइंग स्ट्रिंग्स उसका नाम था फ्लोइंग उसका नाम था फ्लोइंग स्ट्रिंग्स अच्छा इस गाने को दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा गाया गया इस गाने को याद रखना सुनीता भैया के द्वारा सुनीता भैया के द्वारा दोस्तों यहां पर एक गाना गाया गया है जल इतिहास महोत्सव पर ठीक है सर कैमरा काला हो रहा है क्या ज्यादा हो तो नहीं हो रहा है ज्यादा हो तो प्लीज बता देना वैसे ज्यादा नहीं होगा एक दो बार होगा फिर सही हो जाएगा इतना हो गया। तो ना आपको पता चल गया वर्ल्ड वाटर डे के बारे में प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे प्रत्येक वर्ष मेरे दोस्तों 12 मार्च को मनाया जाता है इस वर्ष की अगर आपके पेपर में यह पूछ दिया जाए इस वर्ष की थीम क्या है तो थीम याद रखना एक्सिलेटिंग एक्सी दोस्तों लेरेटिंग इस वर्ष की थीम है एक्सिलेटिंग चेंज सी एच ए एन जी ई एक्सिलेटिंग चेंज तुम्हारे पेपर में पूछ दिया जाए हमारे भारत के अंदर जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी हाजी हुई थी किस वर्ष जल जीवन मिशन की जो शुरुआत की गई थी हमारे भारत के अंदर दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी पंद्रह अगस्त पंद्रह अगस्त दो हजार उन्नीस को भारत के अंदर दोस्तों हर घर जल भारत के अंदर याद रखना हर घर भारत के अंदर हर घर जो जल है जल है इसके तहत भारत का दोस्तों पहला राज्य प्रथम स्थान पर कौन आया पहला राज्य प्रथम स्थान पर आपका गोवा आया अगर कह दिया जाए यूनियन टेरिटरी में पहले कौन आया तो यूनियन टेरिटरी में पहले पहले याद याद रखना रखना दादर एवं नागर हवेली और प्लस में में दमन दमन एंड दमन एंड दीव ये आपके स्थान पर आए थे इसी प्रकार से तुम्हारे पेपर पूछ दिया जाए भारत के किस राज्य में पानी से संबंधित पानी से संबंधित जलाभिषेकम अभियान का दोस्तों शुभारंभ किया गया था जलाभिषेकम तो भारत के अंदर जलाभिषेकम अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है तुम्हारे पेपर में पूछ दिया जाए भारत का पहला अमृत सरोवर पानी से संबंधित है भारत का पहला अमृत सरोवर इसका शुभारंभ दोस्तों कहां पर हुआ है इसका शुभारंभ याद रखना उत्तर प्रदेश में एक स्थान है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है रामपुर तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में दोस्तों शुभारंभ हुआ था भारत के पहले अमृत सरोवर का और अमृत सरोवर में दोस्तों भारत भारत में भारत का पहला स्टेट कौन सा है तो भारत में अमृत सरोवर में पहला जो स्थान है दोस्तों वह भी आपका उत्तर वह भी आपका दोस्तों याद रखना उत्तर प्रदेश का है इतने सारे क्वेश्चन इससे याद रखने पड़ेंगे आपको एक पॉइंट और अभी आपने दो तीन दिन पहले सुना होगा नदी उत्सव के बारे में आई होप आपने ये दोस्तों सुना होगा नदी उत्सव के बारे में भारत के अंदर कुल कितने नदी उत्सव चलाए गए भारत के अंदर याद रखना वर्तमान में दोस्तों चौथा एडिशन चौथा एडिशन नदी उत्सव का दोस्तों मनाया गया 2023 में अच्छा सर जी पूछोगे चौथा उत्सव दोस्तों कहां चलाया गया और किस नदी के लिए चलाया गया यह भी पूछोगे दोस्तों तो भारत के अंदर चौथा जो है इसको दोस्तों होस्ट किया गया दिल्ली के द्वारा चौथा नदी उत्सव याद रखना आपके दिल्ली ने होस्ट किया अगर पूछ दिया जाए किस नदी के लिए चौथा नदी, नदी उत्सव का दोस्तों शुभारंभ किया गया था तो नदी भी आपको याद रखें दोस्तों यमुना नदी के लिए किस नदी के लिए इसका शुभारंभ किया गया तो यमुना नदी दोस्तों आपको याद रखनी है किसी को पता था यह क्वेश्चन अगर मान लो नहीं पता था या पता भी था तो पहला भी पूछ सकता है ये तो चौथा है पहला नदी उत्सव दोस्तों कब और कहा मनाया गया तो दोस्तों याद रखना आपका पहला नदी उत्सव 2018 में स्टार्ट हुआ था कब 2018 में स्टार्ट हुआ था कहा किया गया था इसको याद रखना आपके नासिक में किया गया था एन ए एस आई सी नासिक नासिक कहां पे महाराष्ट्र के अंदर पूछ दिया जाए दोस्तों रिवर आपसे पूछ दी जाए अगर आपसे यह कह दिया जाए किस नदी के लिए दोस्तों शुभारंभ किया गया था तो आंसर क्या दोगे तो नदी का नाम आपको याद रखना है दोस्तों उस नदी को आप लोग गोदावरी नदी के रूप में जानते हो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए होस्ट किसने किया तो होस्ट आपको याद रखना है महाराष्ट्र के द्वारा यानी कि आपके नासिक में महाराष्ट्र के दोस्तों नासिक के द्वारा इसको होस्ट किया गया लगे हाथों तीसरा भी मैं आपको बता दें दोस्तों तीसरा जो था इसको किसने होश किया था तो तीसरा दू, दू, तीसरा क्यों दूसरा अगर आपके पेपर में कह दिया जाए दूसरा दोस्तों किसने होश किया था तो भारत के अंदर दोस्तों जो दूसरा नदी उत्सव था यह आपके विजय में यह आपके विजय में दोस्तों होश किया गया था अगर कह दिया जाए ये किस राज्य में पड़ता है विजयवाड़ा तो विजयवाड़ा का संबंध दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य से है अगर आपसे दोस्तों नदी के बारे में पूछ दिया जाए भारत किस नदी पर चलाया गया था दूसरा नदी उत्सव तो नदी का दोस्तों नाम आपको याद रखना पड़ेगा दूसरा कृष्णा नदी की कृष्णा नदी पर चलाया गया था नदी पर कृष्णा नदी पर और लास्ट रह गया आपका दोस्तों याद रखना तीसरा भारत के अंदर तीसरा नदी उत्सव 2021 में चलाया गया तो तीसरा नदी उत्सव याद रखना भारत के किस राज्य से रिलेटेड है याद रखना ये या आपके मुंगेर कहां से एम यू एन जी ई आर ये आपके दोस्तों मुंगेर से रिलेटेड है मुंगेर का संबंध से है मुंगेर का जो संबंध है वो भारतीय राज्य दोस्तों आपके बिहार से हो जाएगा अगर आपसे नदी की बात पूछ दी जाए ये पहला है दोस्तों जो गंगा नदी से संबंधित था इस प्रकार से चार के चारों नदी उत्सव आपके सामने खत्म हो गए इतना डाटा क्लियर हो गया क्लियर बनो इतने सारी चीजें आपको चार के चारो बहुत बेसिक चीजें हैं याद रखनी है याद रखना कोई बात नहीं बस रेगुलरिटी मत तोड़ना ठीक है भैया ये हो गए चार के चारों और सुनो बात जल शक्ति मंत्रालय के बारे में तुमसे पूछ दिया जाए सबसे पहले पूछेगा जल शक्ति मंत्रालय का दोस्तों फॉर्मेशन कब हुआ जल शक्ति मंत्रालय जो बना है दोस्तों याद रखना आपके दो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इसको बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत इसके कुल मिला कितने मिशन है अगर आपके पेपर में पूछ दिया जाए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नहीं आता पूछ सकता है ना तो कौन कौन सा आता है सबसे पहले याद रखना दोस्तों आपका नमामि गंगे कार्यक्रम याद आया सबको आया होगा नमामि गंगे कार्यक्रम इसी का एक और है जिसको आप लोग जानते हो अटल भूजल योजना एक और है जिसका नाम है अटल भूजल अटल भू भूजल दोस्तों योजना एक और है जिसका नाम है याद रखना जल शक्ति अभियान जो आपने अभी मेरे साथ पढ़ा है एक और है जिसका नाम है दोस्तों जल जीवन एक और जिसका नाम है जल जीवन जल जीवन मिशन एक और है पीएम सिंचाई योजना एक और है पीएम सिंचाई पीएम सिंचाई योजना ठीक है पीएम सिंचाई योजना और एक और हो जाएगा याद रखना दोस्तों एक और हो जाएगा जल भ्रत एक और है जो होने वाला है जल व्रत अभी हुआ नहीं है दोस्तों इन फ्यूचर होगा जल व्रत जल व्रत मैकिंग मैपिंग प्रोग्राम की पानी से संबंधित मेकिंग मैपिंग की जाएगी ठीक है और इसी संबंध हमारा भारत लॉन्च करेगा इसी मिशन के इसी के लिए दोस्तों हमारे भारत सरकार के द्वारा निसार को लॉन्च किया जाएगा कौन कौन करेगा निसार को लॉन्च तो याद रखना इसरो करेगा और आपके नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा मैपिंग के लिए क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं बस एक पॉइंट यहाँ पे रह गया कि जल शक्ति मंत्रालय के दोस्तों मंत्री का नाम क्या है तो लड़ी आप लोग मेरे साथ इनके बारे में लिख चुके हो उनका नाम हो जाता है गजेंद्र सिंह शेखावत नाम क्या है गजेंद्र सिंह शेखावत मेरे दोस्तों इनका नाम है तुम्हारे पेपर पूछ दिया जाए बस खत्म इतना रखो आगे आओ फाइव ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं में पानी का क्या संबंध है पंचवर्ष पंचवर्षीय योजनाओं में याद रखना एक तो एक तो आपका नौवां फाइव ईयर प्लान नौवां जो फाइव ईयर प्लान था दोस्तों ये 1997 से लेके 2002 तक चला इसका मुख्यपुर लक्ष्य क्या था कि हमारे भारत के अंदर हमारे भारत के अंदर जो गरीब समुदाय से संबंधित दोस्तों लोग हैं इनको याद रखना दोस्तों 100% 100% क्लीन पानी की उपलब्धता कराना यह कहा गया था और अगला प्लान याद रखना ईयर प्लान 2007 से स्टार्ट होकर दो तक जा रहा था इसमें कहा गया था 2000 2009 तक दोस्तों भारत में 2009 तक भारत के अंदर भारत के अंदर 100 प्रतिशत स्वच्छ जल पहुंचा दिया जाएगा और आखिरी आपको याद रखना दोस्तों बारहवीं पंचवर्षीय योजना दो हजार में स्टार्ट हुई 14 में खत्म हो गई लेकिन दोस्तों थी कब तक के लिए दो के लिए इसमें कहा गया था कि हमारे भारत के अंदर दोस्तों याद रखना जो 50 परसेंट ग्रामीण की आबादी है उसको दोस्तों इसी पंचवर्ष योजना में 50 प्रतिशत दोस्तों पानी स्वच्छ पहुंचा दिया जाएगा ये तीन पंचवर्ष योजनाएं आपको इससे संबंधित याद रखनी है ये था क्वेश्चन नंबर दो थोड़ा बड़ा था लेकिन डिटेल बहुत अच्छी थी इसमें क्योंकि इसमें पंचवर्षीय योजना पढ़ा दी है भारत के अंदर कुल कितनी पंचवर्षीय योजना थी हमारे भारत के अंदर याद रखना कुल दोस्तों बारह पंचवर्षीय योजना चली थी बारहवीं बीच में खत्म हो गई थी योजनाओं को हम लोगों ने किस देश से लिया था पंचवर्ष योजनाओं को हम लोगों ने दोस्तों यूएसएसआर से लिया था और यूएसएसआर ने पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली थी याद रखना आपने चाइना से ली थी तो भारत ने चाइना से नहीं ली है पंचवर्षीय योजनाओं का उद्गम स्थल चाइना है चाइना से कॉपी किया यूएसएसआर ने और यूएसएसआर से कॉपी किया हमारे भारत ने क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है खत्म अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों की सहायता के लिए मिशन दक्ष का शुभारंभ किया किया है किस किया है किसने मिशन दक्ष का शुभारंभ इस क्लास में ऐसा कोई भी स्टूडेंट सिंगल जिसको कोई परेशानी हो प्लीज कमेंट प्लीज कमेंट क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो आपके कमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि मेरा गोल जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है इसलिए ठीक है कोई दिक्कत है बताओ फिर आगे चलते हैं हम लोग ऋचा सिंह जी हरिचंद्र चौहान हरिचंद्रौहानस भैया हाँ, इतना जरूर है कि जो करंट अफेयर आप लोग मेरे साथ जिस सिद्धत के साथ जिस के कर रहे हो आपने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे करंट अफेयर कवर नहीं की होगी इतना जरूर है है ठीक इस करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि इस करंट अफेयर में आप लोग सबसे ज्यादा क्लास में रिवीजन भी कर लेते हो ताकि घर पर कोई भी क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े मिनिस्टर जी नो सर कह रहे हैं ठीक है और किसी का आंसर नो सर वाले किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत रिजा सिंह जी कह रही नहीं सर नो दिक्कत अभी तक ठीक है नो सर ओके डन आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं होगी तो बात आती है सबसे पहले मिशन दक्ष की अब पहले इस क्वेश्चन क्वेश्चन को समझना ये सच में है क्या क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पर क्या होता है कुछ लोग आपको करंट अफेयर ऐसे पढ़ा देते हैं कि क्वेश्चन आया तुरंत पढ़ा दिया दोस्तों क्वेश्चन आने और इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है ये करंट अफेयर है लोग क्या करते हैं आज उन्होंने कह दिया कि फलाना अभियान लॉन्च हुआ पता चला वो लॉन्च नहीं हुआ सिर्फ घोषित हुआ था ठीक है है ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो ये जो दोस्तों ये आपके नवंबर से चल रहा है ये जो है ये जो क्वेश्चन है है दोस्तों आपके नवंबर से चल रहा है। हम चाहते तो 25 की लेकिन नहीं पढ़ाया क्यों क्योंकि तो आपको याद रखना है ट्रस्ट करके मेरे ऊपर तो क्वेश्चन आपका जो है वो मिशन दक्ष से है क्वेश्चन जो आपका है वह दोस्तों आपके मिशन दक्ष डी ए के एस एच मिशन दक्ष से है क्योंकि इस क्लास में ए सी आई ओ आई बी वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं तो उनका भी मुझे देखना है तो मिशन जो दक्ष है वो भारत के किस राज्य ने लॉन्च किया उसकी वजह क्या है तो मिशन दक्ष का जो सवारा है दोस्तों हमारे भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जिस राज्य ने जो बच्चे मैथमेटिक्स में वीक हैं जो बच्चे दोस्तों मैथमेटिक्स में बीच हैं जो बच्चे जो बच्चे दोस्तों मैथमेटिक्स के साथ में तीन सब्जेक्ट हैं यार एक मैथमेटिक्स हो गया एक सब्जेक्ट आपका हो गया आपका हिंदी एक सब्जेक्ट याद रखना दोस्तों आपका हिंदी और एक सब्जेक्ट जो होता है वह आपका है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर एक सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश ग्रामर इसमें जितने भी दोस्तों स्टूडेंट ऐसे हैं जो है। वीक स्टूडेंट हैं वीक स्टूडेंट हैं उन बच्चों के लिए इसको लॉन्च किया गया कब से कब तक तो वीक स्टूडेंट की जो कुल संख्या यहाँ पर लोगों को पता चली वो पता चली है दोस्तों याद रखना 25 लाख स्टूडेंट इन 25 लाख स्टूडेंट का दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा दोस्तों समर्थन किया जाएगा किस क्लास से किस क्लास के बच्चों को तो याद रखना तीन से लेके एट्थ क्लास के बच्चों को तीन से लेके एट्थ क्लास के बच्चों को समर्थन दिया जाएगा किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है याद रखना बिहार ने की है किस मिशन के तहत न्यू एजुकेशन जो आपने आ, आ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है याद रखना दोस्तों न्यू एजुकेशन हमारे भारत की न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में दोस्तों ये सब राज्य सरकार की सहायता से किया जाएगा ऐसे आप इस क्वेश्चन को याद रखोगे एक बात और हम आपको बता दे दोस्तों अगर आपके पेपर में ये कहा जाए इसका फुल फॉर्म क्या है फुल फॉर्म भी तो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है किसका सर्दी दक्ष का तो सबसे पहले जब आप लोग बात करते हो डी ए के एस एच दक्ष दक्ष की दक्ष का फुल फॉर्म क्या है तो लिख लो अपनी कॉपी में दक्ष के फुल फॉर्म में आपको याद रखना है दोस्तों डायनामिक दक्ष के फुल फॉर्म में आपको याद रखना है डी का मतलब होता है डायनामिक डी वाई ए डायनामिक डी वाई ए एन ए एम आई सी डायनामिक ए का मतलब होता है ए डबल पी आर ओ ए सी एच अप्रोच उसके बाद याद रखना टू नॉलेज के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई डायनामिक अप्रोच टू नॉलेज एंड नॉलेज एंड स्किल नॉलेज एंड स्किल याद रखना वही बात है कि दुनिया में करंट अफेयर चलते तो है लेकिन एग्जाम वारंटेड कोई नहीं पढ़ा रहा है एक, जब करंट अफेयर चलती है तो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है जब आंसर की आती तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता जो आपको आंसर की दिखाया कि बेटा ये देखो आंसर की और मैंने ऐसे पढ़ाया था कोई नहीं आपको मिलता क्यों उसकी वजह यही है कि वो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन स्किल के साथ अप्रोच तो के साथ नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन जो आप मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ते हो ये पूरी दोस्तों याद रखना अप्रोच के साथ होती है अगर आपके एग्जाम पर भी आपकी अप्रोच नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती जब तक आपकी अप्रोच ना हो क्लियर है लेकिन आपको अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपकी अप्रोच ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो ये हो गया बिहार सरकार की बिहार सरकार ने वर्तमान में लॉन्च किया है मिशन दक्ष टू हेल्प 25 लाख स्टूडेंट्स

बी ट्रिपल एस सी का दोस्तों बी एस एस सी का एग्जाम है जैसा कि आप लोगों को पता है और आज पूरा बिहार का एग्जाम हमने एनालिसिस किया क्योंकि उस पर टारगेट भी मेरा ऑलरेडी उल, है तो ध्यान रखिए बिहार से क्वेश्चन वर्तमान में बिहार भारत का ऐसा राज्य है जिसने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है राइनो का मतलब होता है गेंडा क्या होता है गेंडा उन गेंडो को बचाने के लिए हमारे भारत में एकमात्र राज्य जो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडों की रक्षा करने के लिए असम ने किस राज्य किस देश के साथ समझौता किया फ्रांस के साथ लेकिन जो बिहार के अंदर गैंडे पाए जाते हैं और आप पे गिद्ध पाए जाते हैं इन दोनों की दोनों की रक्षा करने के लिए याद रखना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को नियुक्त किया है दूसरी बात राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है और सिर्फ और सिर्फ भारत में बिहार राज्य ने और किसी राज्य ने आज तक ऐसा नहीं किया है अगला क्वेश्चन देखो सर जी पेपर में तुमसे पूछ दिया जाए हमारे भारत के अंदर हमारे भारत के बिहार के अंदर कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं तो बिहार का बिहार को दूसरा टाइगर रिजर्व मिल चुका है बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है याद रखना दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो बिहार ने घोषित किया है भारत ने नहीं उस टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना कैमूर टाइगर रिजर्व हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैमूर किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है आपके बिहार का है आपके पेपर में कहा जाए वर्तमान में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य सरकार ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को मनाया है तो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को हाल में नालंदा यूनिवर्सिटी की सहायता से बिहार ने मनाया है आपके पेपर में कहा जाए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में भारत का सबसे लंबा रबर डैम दोस्तों बनाया गया है भारत का सबसे लंबा रबर डैम रबर ब्रिज के साथ में फालगु नदी पर बनाया गया और यह आपके बिहार राज्य से संबंधित है और साथ में फैनी नदी पर मैत्री ब्रिज भारत और बांग्लादेश के मध्य में भी बनाया गया है दोस्तों आपके पेपर में कहा जाए नमामि गंगे कार्यक्रम अभी पढ़ाया हमने नमामि गंगे कार्यक्रम सर जी बताना जरा कहां पढ़ाया ये देखो क्वेश्चन नंबर दो में हमने पढ़ाया आपको नमामि गंगे मिशन हो गया तो नमामि गंगे मिशन के तहत भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने वर्तमान में अपने डुमरिया घाट पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डुमरिया घाट तो डुमरिया घाट पर नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण कर दिया यह रहा दोस्तों रिवर फ्रंट कहां पर डुमरिया घाट पर यह कहां पर है ना, नारायणी नदी के किनारे बिहार के अंदर याद रखना नारायणी नदी और डुमरिया घाट तुम्हारे पेपर में पूछ दे वर्तमान में दोस्तों लिटरेसी जो रेट होता है पढ़ाई से संबंधित साक्षरता से संबंधित सबसे कमजोर राज्य भारत का कौन सा पाया गया तो भारत का सबसे कमजोर राज्य आपका बिहार पाया गया लेकिन सबसे ताकतवर राज्य कौन सा पाया गया सबसे ताकतवर जो राज्य है वो दोस्तों आपका भारत के अंदर केरल है किससे संबंधित लिटरेसी रेट से संबंधित है ठीक है आगे और साक्षरता दर्शे वर्तमान में किसको बिस्मिल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो मैथिली ठाकुर को दिया गया इनका संबंध बिहार से नहीं है क्यों इनका संबंध बिहार से ऐसे है इनको बिहार का वर्तमान में स्टेट आइकन बनाया गया है स्टेट आइकन बिहार का कौन बनी है मैथिली ठाकुर और इन्हीं को मैथिली ठाकुर को बिस्मिल्ला खान पुरस्कार दिया गया यह क्वेश्चन आपको एडिशनल याद रखना है आगे आओ हर घर जल हर घर जल मिशन का शुभारंभ किसने किया गंगा जल आपूर्ति योजना तो हर घर गंगा जल एक प्रकार का मिशन है वो भी नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर लॉन्च किया था और कोई क्वेश्चन है बिहार हाँ का पहला पेपर लेस जिला कौन सा बना बिहार का पहला पेपरलेस जो जिला है वह आपका सहरसा बना है और कोई नहीं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा ये जितनी भी करंट अफेयर आपने मेरे साथ बिहार की पढ़ी है वो लास्ट सिक्स मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक थी क्लियर है

कंपनी लिमिटेड अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम सर क्या हो जाएगा तो अजय यादव संजय स्वरूप अंबानी तो दोस्तों किसका स्थान लिया है इन्होंने किसी को रिप्लेस भी किया है इन्होंने याद रखना दोस्तों किसी को रिप्लेस किया किसको रिप्लेस किया तो आंसर आपको याद रखना है उनका नाम है दिवाकर उनका नाम हो जाएगा याद रखना दोस्तों आपके दिवाकर उनका नाम हो जाएगा दिवाकर गुप्ता तो दिवाकर गुप्ता का वर्तमान में स्थान लिया है नारायण छेद्री ने और ये वर्तमान में भारत के आई के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों इनको नियुक्त कर दिया गया ऐसे आपको क्वेश्चन याद रखना है अब आप ये कहोगे सर भारत के अंदर आई का, का काम क्या होता है हमारे भारत के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में दोस्तों याद रखना आई IDR CL जो होता है वो हमारे भारत के अंदर शेयर होल्डर है ये क्या करता है दोस्तों ये हमारे भारत के अंदर बहुत बड़ा शेयर होल्डर है शेयर होल्डर को दोस्तों हिंदी में सर क्या कहा जाता है इसको याद रखना दोस्तों शेयर धारक कहा जाता है हिंदी में इसको शेयर धारक कहते हैं ये किसका शेयर धारक है भारत की दोस्तों बड़ी-बड़ी बैंकों का शेयर धारक है इसके पास बड़ी-बड़ी बैंकों का परसेंटेज होता है क्या होता है परसेंटेज या शेयर होता है अगर आप ये कहोगे शेयर क्या होता है बताएंगे अभी सबसे पहले किन किन बैंकों का है तो बैंकों में एक बैंक आती है इंपॉर्टेंट याद रखना आपकी बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक जिसका नाम आपने सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक और इसमें आधा स्वामित्व सरकार का है पंजाब नेशनल पंजाब नेशनल बैंक एक बैंक आपको याद रखें दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक बैंक आपको याद रखें दोस्तों याद रखना यूनियन बैंक एक बैंक आपको याद रखने जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक आपकी भारत की बहुत बड़ी और सबसे पुरानी याद रखना है जिसको आप लोग इंडियन बैंक के रूप में जिसको आप लोग इंडियन बैंक के रूप में जानते हो इसी प्रकार से एक बैंक आपकी आई डी बी आई आई डी बी आई ये दो पांच छह छह सात ऐसे ऐसी हैं दोस्तों छह बैंक ऐसी हैं जिनका शेयर जो होता है वह आई कि आर अपॉइंटेड आफ्टर के पास आफ्टर दि, आफ्टर दिवाकर गुप्ता क्या बने हैं ये इंडिया डेप रिलेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है उसके अध्यक्ष बने जो एक शेयर धारक कंपनी है दूसरी बात है शेयर होता क्या है सर जी शेयर होल्डर होते कौन है तो याद रखना एक व्यक्ति कंपनी या संस्थान जिसके पास कंपनी के स्टॉक का कम से कम एक हिस्सा होता है उसको शेयर होल्डर कहा जाता है आपने देखा होगा जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं अपने जो वर्कर होते हैं और जो अच्छे अच्छे वर्कर मैन वर्क होते हो, वर्कर होते हैं उनको कंपनी का शेयर होल्डर बना देती है ताकि उन लोगों को लगे कि ये कंपनी मेरी ही है मतलब उन्हीं की कंपनी हो जाती है कुछ हिस्सा उन लोगों का हो जाता है ठीक है भैया ऐसे समझो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है अपॉइंटमेंट का जो था शेषाद्री को आई का अध्यक्ष निवर्तमान गुप्ता को एन आर सी आर का प्रमुख नियुक्त किया गया आज के दो क्वेश्चन बने हैं कौन कौन से शेषाद्री को आई डी आर सी एल का बनाया गया और आई डी आर सी एल के पहले कौन थे दिवाकर गुप्ता थे और दिवाकर गुप्ता के स्थान गुप्ता कहा चले गए दिवाकर गुप्ता एन ए आर सी एल के प्रमुख बन गए अब इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखना और दोनों की अपॉइंटमेंट याद रखना एक अपॉइंटमेंट उसमें पता चल चुकी दूसरी अपॉइंटमेंट ये है कि नेशनल एसेस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के जो अध्यक्ष बने उनका नाम दिवाकर गुप्ता हो गया और आई के जो अध्यक्ष बने उनका नाम शेषाद्री जी हो गया यह क्वेश्चन था अपॉइंटमेंट दोनों दोनों कवर हो गई अब आ जाओ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट का रिवीजन, वो भी एमसीक्यू के साथ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत बार क्वेश्चन का रिवीजन करवा चुके बताओ आंसर क्या होगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने नाम याद रखो आर माधवन साहब का नाम क्या है आर माधवन आर माधवन साहब का नाम आप लोग आंसर याद रखोगे बिल्कुल वन लाइनर खत्म आगे बढ़ो हाल ही में किसने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्ति ली है तो आरबी आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक जो बनी है उनका नाम याद रखना दोस्तों वसुधा गुप्ता हो जाएगा महिला बनी है वसुधा गुप्ता जो भूल गए हो फिर से याद कर लो जो नए स्टूडेंट हो उनका रिवीजन हो रहा है वित्त आयोग वित्त उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया ये बात है वित्त आयोग विकास परिषद इंग्लिश में फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन वर्तमान में कौन बने हैं उमेश रविंकर का नाम याद रखिएगा नाम क्या है इनका उमेश रविंकर खत्म क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीसरा खत्म तुम्हारे पेपर में कहा जाए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको एनजीटी कहते हैं एनजीटी के नए अध्यक्ष सर कौन बने हैं? एनजीटी के जो अध्यक्ष बने हैं है तो है है भा, में भारत के किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया यह बात है वर्ल्ड बैंक की और वर्ल्ड बैंक में किसी एक कोई एक भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री का मतलब होता है चीफ इकोनॉमिस्ट तो चीफ इकोनॉमिस्ट वहां पर कौन बना ऑप्शन नंबर पांच में अमृत पटेल सुबन मेरी ये तो आपके उससे संबंधित है नीति आयोग से अमृत लेखक और अर्थशास्त्री जिनको पहला भारत के अंदर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कल स्टैटिक जीके में करवा चुके हैं है, मैराथन में हम आपको पटेल भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और एकमात्र बचे इंद्रजीत गिल तो इंद्रजीत गिल इज द करेक्ट आंसर जो वर्ल्ड बैंक में भारत के अर्थशास्त्री बने हैं हो गया खत्म चलिए पांच क्वेश्चन रिवीजन भी हो गए आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ नंबर पांच समझ के करंट अफेयर कैसे पढ़नी है बड़े आराम से होले होले चीजें समझ में आ रही है पहले ये बताओ सचना कुमारी जी ठीक है साक्षी जेवी जी ओके डन भरत शाहू जी ओके okay, डन बहुत बढ़िया तो ये है बेस्ट वे ठीक है गिल को नोट किया गया ठीक है डन आगे चलते हैं 5 पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष के लिए जलवायु बैठक कॉप तैतीस की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा अब इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे कवर करोगे देखो मजा आएगा गदर काट दो तो गदर देखो सबसे पहले बात आती है मोदी जी ने और किस वर्ष के लिए जलवायु बैठक कॉप तैतीस की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा सबसे पहले आपको बताते हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़ा एक एग्रीमेंट है कौन सा याद रखना दोस्तों जलवायु परिवर्तन से क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट चेंज से सबसे बड़ा जो जलवायु क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो सबसे बड़ा दोस्तों एग्रीमेंट है है ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको हम लोग जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं पेरिस पेरिस एग्रीमेंट के नाम से बस इतना याद रखना दोस्तों ये हुआ कब था ये बात है आपकी 2016 की हुआ था 2016 में किस पर आधारित है दोस्तों ये याद रखना कॉप पर आधारित है और उसके बाद जो कॉप पहले से हो रहा था ये कॉप को दोस्तों और पावर दे देता है कॉप का मतलब क्या होता है का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म क्या होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका लक्ष्य होता है ये जलवायु परिवर्तन पर दोस्तों निगरानी और देशों को दोस्तों संबोधन करता है इस कॉप का काम क्या होता है यह दोस्तों याद रखना संबोधन करता है यह है संबोधन करता है किस चीज का ताकि दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन है जो जलवायु परिवर्तन है जलवायु परिवर्तन का मतलब जलवायु परिवर्तन का मतलब है वर्षा का ना होना बहुत सारा प्रदूषण करना जो ग्लेशियर है उनका पिघलना यह जलवायु परिवर्तन के कारण है ठीक है तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित किस वर्ष तो कॉप तैतीस के लिए किया है 2028 में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे मोदी ने प्रस्ताव रखा याद रखना मोदी जी के द्वारा दोस्तों प्रस्ताव रखा गया कहां रखा गया तो याद रखना वर्तमान में यहां रखा गया कि 2023 आपको पता है चल रही है 2023 में कौन सा कॉप हो रहा है 2023 में याद रखना दोस्तों आपका कॉप 28 हो रहा है अच्छा कॉप 28 कौन कहां हो रहा है कॉप 28 आपको याद रखना दोस्तों आपके दुबई में हो रहा है अच्छा दुबई में कॉप अट्ठाईस को कौन कर रहा है दुबई का मतलब होता है यू दुबई के यू में इसको होस्ट किया जा रहा है अगर दुबई के यू में होस्ट किया जा रहा है क्या मोदी जी वहां पर गए हाँ जी खुद मोदी जी गए हैं और खुद मोदी जी ने दोस्तों वहां पर संबोधन के दौरान कहा कि हमारा भारत भी कॉप को होस्ट करने करना चाहता है और हमारा भारत ये कहता है कि मुझे भी कॉप से संबंधित जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक मेजबानी मिलनी चाहिए और ये मेजबानी 2028 में कॉप तैतीस की हम लोग करने वाले हैं क्योंकि कॉप तैतीस के लिए अभी तक किसी को नहीं चुना गया ऐसा यह क्वेश्चन था अब यहीं पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा मोदी जी ने यह बात किससे कही तो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट कौन है राष्ट्रपति नहीं कॉप अट्ठाइस के प्रेसिडेंट कौन है किसकी अध्यक्षता में तो सबसे पहले आप कॉपी में डाल लो कि वर्तमान में किसकी अध्यक्षता में हुआ है कॉप कॉप तो कौप हुआ है 28 UAE की अध्यक्षता में लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहा था तो अध्यक्षता जो कर रहे थे उनका नाम है सुल्तान अल जुबैर नाम याद रखना सुल्तान अल जुबैर इनका नाम है ये दोस्तों प्रेसिडेंट हो जाते हैं और तुरंत एक न्यूज निकल के आई न्यूज दोस्तों ये है ध्यान देना न्यूज ये है वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के लिए वर्तमान में दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए यू ए के द्वारा यूए के द्वारा कुल मिला के कितना डोनेशन दिया गया तो याद रखना या फंड दिया गया कुल कितना फंड दिया जलवायु परिवर्तन की सहायता करने के लिए तो आपको याद रखना है तीस बिलियन डॉलर कितना पैसा दे दिया

हमारे भारत की बात आपको पता चल गई कि हमारे भारत ने कब के, के लिए चुना है क्या भारत पहली बार होस्ट करेगा नहीं दोस्तों हम बात आते इंडिया की अब बात आती है दोस्तों आपके इंडिया की इंडिया ने दोस्तों कब कब को होस्ट किया सबसे पहला पॉइंट आपके पेपर में यहां से निकलेगा जब हमारे भारत की बात आती है दोस्तों तो भारत ने सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम होस्ट किया था भारत ने पहली बार होस्ट किया था यह बात है दोस्तों आपके ये बात है दोस्तों, आपके दो हजार दो की हमारे भारत ने पहली बार रोश किया था हमारे भारत ने दोस्तों पहली बार रोष किया था याद रखना दो हजार दो में कब किया था दो हजार दो में और भारत का कौन सा शहर था वह शहर आपको याद रखना है दिल्ली था वह शहर दोस्तों दिल्ली था भारत ने कॉप को पहली बार कब किया 2002 में किया था। अब एक नजर में हम आपको सारे के सारे दोस्तों एक नजर में हम बता रहे हैं सबसे पहले जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस है दोस्तों कॉप जो है ये किसके अंडर में होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन के अंडर में होता है ये किसके अंडर में होता है यह दोस्तों याद रखना आपके यूनाइटेड नेशन के अंदर में होता है ठीक है यूनाइटेड नेशन के अंदर होता है इसका पहला संस्करण कब और कहा गया इसका पहला संस्करण याद रखना पचानवे में होस्ट किया गया था किस देश ने इसको होस्ट किया था इसको याद रखना आपके बर्लिन जर्मनी की राजधानी इसको याद रखना दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया था अगर आपके पेपर में पूछा जाए इसका दूसरा संस्करण तो दूसरा संस्करण दोस्तों उन्नीस में हुआ था इसको स्विट्जरलैंड की राजधानी यानी स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा ने होश किया था तीसरा और हम आपको बता दें तीसरा जलवायु परिवर्तन दोस्तों इसको कहां पर होश किया गया था तीसरा जो है वह आपके हर साल होता है तो उन्नीस में होश किया गया कहां पर क्योटो क्योटो जो आपके जापान के अंदर एक शहर है क्योटो ने इसको होश किया था और दूसरा हम आपको बता दें दोस्तों भारत का आपको ऑलरेडी पता चल गया अब बात आती है दोस्तों दो की अब बात आती है आपके दो ये रुको 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 एक मिनट याद रखना हम आपको का भारत का एक बार दोबारा बता दे रहे हैं भारत ने जो होस्ट किया था इसका नोवा संस्करण था दोस्तों नोवा संस्करण था ये बात है कॉप आठ की एक मिनट कॉप आठ याद रखना सीधा सीधा कॉप आठ याद रखना दोस्तों ये हमारे भारत ने होस्ट किया था ये बात आती है आपके दो दो की वो भी याद रखना आपके दिल्ली शहर के द्वारा अब बात आती है एग्जाम ओरिएंटेड 2000 2021 में इसको किसने होश किया था 2021 में आपको याद रखना दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आपके पेपर में कहा जाए 2022 में किसने होश किया था इजिप्ट इजिप्ट e इजिप्ट e के द्वारा 2023 में किसने होश किया आपको ऑलरेडी पता है 2023 में आपके यू -E के द्वारा होश किया गया आज आपको पता चल गया पेपर में आपसे 2024 की बात पूछ दी जाए तो दोस्तों अभी कन्फर्म नहीं है 2000 आपसे 25 के बारे में पूछ दिया जाए तो 25 में याद रखना दोस्तों आपका ब्राजील इसको होस्ट करेगा पेपर में आपसे कॉप 26 के बारे में पूछ दिया जाए पेपर में आपसे दोस्तों कॉप 26 यहाँ पर याद रखना ये कॉप है ये भगवान ये तो हमने लिखा ही नहीं ये 2021 में जो कॉप हुआ था दोस्तों ये कौन सा था ये आपका कॉप 26 था ये कॉप 26 था और कॉप 27 जो था दोस्तों कॉप 27 हुआ था आपके 2022 में ये जो कॉप है ये कॉप आपका दोस्तों 28 है जो 24 में होगा ये कॉप आपका 29 होगा कॉप 29 होगा 2025 में याद रखना ये आपका कॉप 30 होगा ये आपका कॉप ये आपका कॉप 30 होगा और कॉप दोस्तों याद रखना 31 कॉप 31 कह सकते हो हाँ जी कॉप 31 कह सकते कॉप 31 के आपके आपसे बात पूछी जाए छब्बीस अट्ठाइस उनतीस तीस तीस हो गया उसके बाद आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों इकतीस के बारे में और बत्तीस के बारे में अभी तक इकतीस बत्तीस में किसी की नियुक्ति नहीं हुई है और तैंतीस को याद रखना हमारे भारत ने कहा है होस्ट करने के लिए ये बात आपकी आएगी 2028 की बस इतना था, बात था। तो कुल मिला के ये जो ड्रामा यहाँ पे लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है बस पहला दूसरा तीसरा याद रखना और लास्ट के तीन याद रखना 2021, 22 और 23 के और भारत ने कब होस्ट करने के लिए कहा है 2028 में और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है सब कुछ स्किप कर दो एक, एक बार फिर रिवीजन कर लो हम आपको सही से बता दे रहे हैं पहला याद रखना उन्नीस में कॉप फर्स्ट जर्मनी कॉप द्वितीय स्विट्जरलैंड कॉप तृतीय जापान के द्वारा भारत ने पहली बार कॉप को 2000 सॉरी कॉप आठ कोश किया था 2002 में हमारे भारत की राजधानी दिल्ली के द्वारा ठीक है सर कॉप 26 कोष किया 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने कॉप 27 कोष किया इजिप्ट की इजिप्ट का एक शहर शर्म अल शेख कॉप 28 को होस्ट कर रहा है 2023 में यूएई हमारा भारत कॉप होस्ट करेगा 2028 में जो होगा कॉप 33 क्वेश्चन पूरा खत्म अब बात आती है दोस्तों ये आपके सामने डाटा हो गया होस्टिंग कॉप तैस इंडिया बाइट फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट लीडरशिप इन 2028 हमारे भारत ने ऐसा कहा है और किसमें कहा है यहाँ पर हमारे भारत ने अपनी बात कही है अब बात आती है जलवायु परिवर्तन से आपके पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से पूछेंगे दो हजार जलवायु परिवर्तन से आपके जो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा यूनाइटेड नेशन अर्थ प्रोग्राम के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का दोस्तों नाम होता है याद रखना चैंपियंस ऑफ द याद आया कुछ ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार वर्तमान में किसको मिला तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 में याद रखना हमारे भारत की रहने वाली पूर्णा हमारे भारत की रहने वाली पूर्णा पूर्णिमा हमारे भारत की रहने वाली दोस्तों पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को वर्तमान में यह पुरस्कार मिला है यही पुरस्कार याद रखना इससे पहले 2018 में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह बात आपको याद रखनी है वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक पुरस्कार है जिसको एस नोजा पुरस्कार दोस्तों कहा जाता है एस नोजा पुरस्कार वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से किस भारतीय को मिला तो भारतीय का नाम आपको याद रखना पड़ेगा ज्योति ज्योतिया गुप्त ज्योतिया गुप्ता यह पुरस्कार जो मिला है यह याद रखना ज्योतिया गुप्ता को दोस्तों दिया गया यह भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया वर्तमान एक पुरस्कार है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है जिस पुरस्कार का नाम होता है याद रखना दोस्तों गोल्ड मैन गोल्ड मैन एनवायरमेंट गोल्ड मैन अवार्ड तो गोल्डमैन गोल्डमैन एनवायरमेंट जो पुरस्कार है यह दोस्तों किस व्यक्ति को वर्तमान में दिया गया यह पुरस्कार दिया गया याद रखना एले, एले सेड्रा यह एले पुरस्कार सेड्रा कोराक को दिया गया है एले सेड्रा कोराक को यह किस देश के रहने वाले हैं कोराप यह कोराप हमारे कोराक साहब ये कोराक साहब हमारे याद रखना ब्राजील के रहने वाले हैं लास्ट पुरस्कार एक और हम आपको बताएं लैंड फॉर लाइफ लैंड लैंड फॉर फॉर लाइफ अवार्ड दोस्तों किसे मिला तो लैफ लैंड ले, ऑफ फॉर लाइफ जो पुरस्कार है लैंड फॉर लाइफ जो पुरस्कार है यह आपको याद रखना है एस एच वाई ए एम यह पुरस्कार श्याम सुंदर यह पुरस्कार श्याम सुंदर ज्ञानी को मेरे दोस्तों दिया गया श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया यह क्वेश्चन पूरा खत्म एक चीज और हम आपको अंतिम बता दें दोस्तों

दुनिया का पहला देश जो है उसको आप लोग दोस्तों डेनमार्क के रूप में जानते हो दुनिया का जो दूसरा देश है उसको हम लोग याद रखना स्वीडन के रूप में जानते हैं दुनिया का जो तीसरा देश है उस देश को हम लोग दोस्तों चिली के रूप में जानते हैं तो डेनमार्क स्वीडन और आपका चिली जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन जो इंडेक्स है जारी कौन करता है इसको दोस्तों याद रखना जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है कौन जारी करता है इसको जलवायु जलवायु परिवर्तन इंडेक्स जर्मन वॉच जारी करता है यह भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर छह हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अग्रणी एक्सरे पॉलीरी मीटर उपग्रह एक्सपो सेट को लॉन्च कर दिया ऐसी कौन ऐसा कौ, ऐसी कौन सी दोस्तों स्पेस एजेंसी है ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने क्या कर दिया याद रखना जो पृथ्वी का जो पृथ्वी का दोस्तों अवलोकन होता है जो पृथ्वी का अवलोकन होता है पृथ्वी का दोस्तों जो अवलोकन होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है आप सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है घूमती है और याद रखना इसी घूमने पर जो समय पता लगता है समय वो भी दोस्तों सही समय का जो पता लगा पता लगाया जाता है उसी माध्यम से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं तो इसी का दोस्तों एजेक्ट पता लगाने के लिए ऐसा कौन सा देश है ऐसी कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने याद रखना एक्सपीओ एस ए टी एक प्रकार की दोस्तों एक प्रकार की आपकी सैटेलाइट है इस सैटेलाइट को दोस्तों किसने लॉन्च कर दिया है बस इतना सा क्वेश्चन है इस इस सैटेलाइट को आपका आंसर याद रखना दोस्तों हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा हाल ही में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया क्यों किया गया ये बात ऑलरेडी हम आपको दोस्तों बता चुके हैं कि इसलिए इसको लॉन्च किया गया बोलो इतनी बात आ, आई होप आपको पता चल गई इससे होगा क्या इससे दोस्तों याद रखना खगोल विज्ञान का पता चलेगा पैरोमीटर का प्रयोग खगोल विज्ञान के लिए ही किया जाता है स्टैटिक में क्वेश्चन याद याद रखना रखना इसका प्रयोग आपके खगोल विज्ञान के लिए किया जाता है तो अब इसका प्रयोग किस पे किया जाएगा याद रखना खगोल विज्ञान में किया जाएगा इसमें कौन सी किरणें निकलती हैं दोस्तों पैरोमीटर से संबंधित इसमें याद रखना आपकी एक्सरे किरणों का दोस्तों प्रयोग होता है इसमें किस किरणों का प्रयोग होता है इसमें आपको याद रखना है एक्सरे दोस्तों किरणों का प्रयोग होता है एक्स के एक्सरे दोस्तों वेव्स का दोस्तों इसके अंदर प्रयोग होता है ये आपको ध्यान रखना है अगर कह दिया जाए इसका प्रयोग दोस्तों कितनी, इसकी तरंग धैर कितनी होती है? अगर आपके पेपर में, बाई चांस पूछ दे, तो अब तो में है पैरोमीटर तो में प्रयोग की जाती है उपग्रह के प्रक्षिपण के लिए तो एक्सरे की वेब जो तरंगधैर होती है कितनी होती है तो जीरो दशमलव जीरो एक से दोस्तों याद रखना दस नैनोमीटर तक होती है कितनी होती है तो याद रखना जीरो दशमलव जीरो दशमलव जीरो एक मीटर एक जीरो दशमलव एक एक से दस नैनोमीटर तक दोस्तों इसकी होती है यह बात आपको याद रखनी है पेपर में बाई चांस आपसे कह दिया जाए किरण की खोज किसने की थी तो एक्सरे किरणा की जो खोज थी दोस्तों वो अठारह में की गई थी किसने की थी इसकी खोज तो याद रखना आपके रॉन्टजन विलहेम रोन्टजन के द्वारा इसकी जो खोज की गई थी वो आपको याद रखनी है दोस्तों ये आपको याद रखनी है विलहेम रोन्टजन के द्वारा के द्वारा इसकी खोज कर दी गई थी एक्सरे की ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया कवर पूरा ठीक है भैया क्यों क्या कैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा घुस के कुछ याद मत रखना क्योंकि तो कुछ भी याद करने लायक इसमें अच्छा नहीं है जो याद करने के लायक था वो मैंने आपको यहां पर दोस्तों बता दिया है अब बात आती है एक नजर में और क्वेश्चंस कवर करने की कौन सा क्वेश्चन सर जी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसको आप लोग दोस्तों इसरो के रूप में जानते हो ठीक है सर कर लो कवर इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब होती है इसरो की स्थापना याद रखना 15 अगस्त 1969 में इसरो का सर मुख्यालय कहां पर है इसरो का जो मुख्यालय है वह आपके बेंगलुरु में है और बेंगलुरु कहां पर है बेंगलुरु आपके कर्नाटक में है इसरो के वर्तमान में इसरो के वर्तमान में चेयरमैन का नाम क्या है इसरो के जो चेयरमैन हैं ये इसरो के दोस्तों दसवें चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है तो याद रखना एस सोमनाथ एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में चेयरमैन बन बन जाते हैं इसरो के इसरो के वर्तमान में जो एस सोमनाथ चेयरमैन हैं इनको वर्तमान में कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको वर्तमान में याद रखना दोस्तों गोयल पीस प्राइज दिया गया है इनको याद रखना हाल ही में कौन सा पुरस्कार गोयल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया गोयल पीस प्राइज इनको किसके द्वारा दिया गया याद रखना हरियाणा सरकार की तरफ से इनको दिया गया गोयल पीस प्राइज वर्तमान में एक और प्राइस है आपको याद रखना है किसको दिया गया अभी हमने आपको कल पढ़ाया था दोस्तों ये पुरस्कार ये पुरस्कार दिया गया यह पुरस्कार दिया गया ललिताम्बिका को यह पुरस्कार ललिताम्बिका को दिया गया ललितांबा याद रखना इसरो के अंदर क्या है एक साइंटिस्ट है इनको फ्रांस सरकार के द्वारा ललितांबा को दोस्तों फ्रांस सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया गया लीजन डी ऑनर पुरस्कार डी -E ऑनर ऑनर पुरस्कार पुरस्कार दिया गया फ्रांस की फ्रांस के द्वारा ललितांबिका को और ललितांबिका का जो जो है वो इसरो में वर्तमान में दोस्तों याद रखना एक साइंटिस्ट भी हैं देखो मतलब, मतलब मजा आया क्वेश्चन कवर करने में वर्तमान में आपको याद रखना है इसरो के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एन वालर, एन वालर वालर नथी उनका निधन चौरासी वर्ष की उम्र में हो गया जो इसरो के अंदर चौसठ वर्ष की उम्र में निधन हो गया एल वारन मथी का वो क्या करती थी जब रॉकेट उड़ता था सौ सॉरी सौ निन्यानवे अट्ठानवे

सैटेलाइट लॉन्च कर दिया हमारे भारत सरकार के द्वारा यानी यानी कि इसरो के द्वारा इसरो के अपकमिंग मिशन कौन कौन से हैं इसरो के दोस्तों अपकमिंग मिशन हम आपको बता देते हैं वो आपके सामने लिखे भी हुए हैं लेकिन छोटे हैं एक मिशन का नाम याद रखना आपका दोस्तों गगनयान ये किसका है भारत का है हमारा भारत याद रखना कौन सा लॉन्च कर चुका है हमारा भारत याद रखना आदित्य एलवन हमारा भारत हमारा भारत आदित्य एलेवन को लॉन्च कर चुका है हमारा भारत जो है दोस्तों वह चंद्रयान थ्री को लॉन्च कर चुका है हमारा भारत लॉन्च करेगा कुछ दिन बाद उसका नाम होगा मंगल मंगलयान हमारा भारत दोस्तों लॉन्च करेगा लेकिन कौन सा मंगलयान टू हमारा भारत इसके बाद दोस्तों लॉन्च करेगा याद रखना इस साल निसार एन आई एस ए आर निसार भारत यूएसए की सहायता से हमारा भारत एक एक उपग्रह लॉन्च करेगा उसका नाम याद रखना सुक ग्रह के लिए होगा उस ग्रह का सर नाम क्या होगा उस ग्रह का नाम सुक्रयान होगा मेरे भाई क्या होगा सुन होगा उसके बाद हमारा भारत सबसे बड़ा काम करने वाला है क्या करेगा सर भारत तो याद रखना इंडिया, इंडिया का खुद का स्पेस सेंटर भी होगा अंतरिक्ष में हमारा भारत खुद का स्पेस सेंटर बनाने की दोस्तों घोषणा कर चुका है क्या बात है सलूट है हमारे इंडिया को हमारा भारत दोस्तों याद रखना अपना खुद का स्पेस सेंटर अंतरिक्ष में बनाएगा ठीक है चलिए अगला देखो क्वेश्चन कोई है हाँ में में हैंगा तो नए, नए, हो मतलब होती है उसमें नए नए जो तारे बनते हैं उसका अध्ययन करेगा कोई और उसने लॉन्च किया इनफ्यूज मिशन इनफ्यूज मिशन किस स्पेस एजेंसी का था इसको याद रखना आपके नासा ने क्या किया था लॉन्च किया था मिशन को तुम्हारे पेपर में कह दे वर्तमान में दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने एक मिसाइल को लॉन्च किया इस मिसाइल का नाम है याद रखना मैन मिसाइल मिनटमैन एम आई एन यू टी मिनटमैन इसका नाम याद रखना एम आई एन यू टी मिनटमैन थर्ड एक दो तीन ये एक प्रकार की दोस्तों सौ सेटेलाइट है इसको वर्तमान में ऐसा कौन सा देश है जिसने लॉन्च किया जिसके तहत क्या होगा वही पृथ्वी पर सबसे बाहर सबसे तेज वगैरह वगैरह मैन एक प्रकार की मिसाइल है इसको वर्तमान में में अमेरिका के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था पृथ्वी पर पेपर आपसे कहा जाए ऐसा कौन सा देश है जिसने वर्तमान में दोस्तों याद रखना ओरिस एक प्रकार का मिशन अंतरिक्ष में भेजा है इसका नाम था ओरिस एक्स रियक्स इसको हाल ही में दोस्तों आपके नासा के द्वारा भेजा गया था ओरिस का नाम याद को बात खत्म एक आपका सामने L1 और एक एक आपके सामने चंद्रयान थ्री इन दोनों को करते हैं कवर फिर चलते हैं आज की एक पुस्तक पर सबसे पहले बात आती है आपके आदित्य एलेवन की जो आपने अभी कुछ दिन पहले दोस्तों क्वेश्चन कवर किया था आदित्य एलेवन जो है दोस्तों आदित्य एलेवन जो है एलवन ये किस लिए लॉन्च किया गया याद रखना हमारे भारत का पहला मिशन है जो सूर्य के लिए लॉन्च किया गया था यहाँ पर का मतलब क्या होता है यहाँ पर का जो मतलब होता है ये मतलब होता है लेगेज ये होता है दोस्तों याद रखना लेगेस पॉइंट एल का जो मतलब होता है लेगेस पॉइंट जहां पर हमारा जो एल1 है वो रहकर सूर्य की गणना करने वाला है अगर आपसे कहा जाए इसका कौन सा एडिशन था ये हमारे भारत का दोस्तों प्रथम उपग्रह था प्रथम एडिशन था अगर कहा जाए इसका हमारे भारत सरकार के द्वारा कुल कितना बजट पेश किया गया था इसका जो बजट था दोस्तों वह याद रखना 400 करोड़ रुपए था अगर कहा जाए इस एलवन मिशन से मतलब इसके कुल कितने किलोमीटर की यात्रा है कुल कितने किलोमीटर की तो एक दशमलव दोस्तों पचास मिलियन किलोमीटर एक दशमलव पांच मिलियन किलोमीटर की दूरी भी आपको याद रखनी पड़ेगी वन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर अगर कहा जाए लॉन्चिंग डेट इत्यादि का डाटा तो वो डेट आपको याद रखनी है दोस्तों पच्चीस सितंबर पच्चीस सितंबर दो हजार का डाटा तेईस का डाटा याद रखना है किस रॉकेट के द्वारा अगर आपके पेपर में कहा जाए किस रॉकेट के द्वारा तो रॉकेट याद रखना पी एस पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन के द्वारा लॉन्च किया गया कहां से लॉन्च किया गया तो याद रखना आपके श्रीहरिकोटा इसको श्री श्रीहरि कोटा से दोस्तों लॉन्च किया गया था यह था आपका आदित्य एलवन मिशन आपके पेपर में कहा जाए चंद्रयान थ्री के बारे में बताओ तो चंद्रयान थ्री के बारे में आप क्या बताओगे चंद्रयान थ्री वो मिशन है हमारे भारत का जो 23 अगस्त जो याद रखना दोस्तों 23 अगस्त 2023 को हुआ लॉन्च 23 20 अगस्त 2000 मतलब 23 20 अगस्त 2023 को ये अपने टारगेट पर पहुंच चुका है इसको कब किया गया था लॉन्च लाँच? तो लॉन्चिंग डेट भी आपको बता दें वो डेट थी आपकी दोस्तों 14 जुलाई वो डेट थी आपकी 14 जुलाई 2023 की इंपॉर्टेंट डेट जो होगी वो होगी आपकी 23 अगस्त 2023 की कौन सी 23 अगस्त 2023 की जो डेट है ये मेरी जिंदगी की भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों दिन भी ये बात आपको याद रखना है इस मिशन को किस रॉकेट के द्वारा किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था इस मिशन को एल इस मिशन को एल वी एम थ्री एम फोर के द्वारा लॉन्च किया गया था अगर कहा जाए किस स्थान से इसको लॉन्च किया गया था इसको दोस्तों कि, कि इसी दिन हमारे भारत ने घोषणा कर दी है नेशनल नेशनल स्पेस डे मनाने की अच्छा तो नेशनल स्पेस डे हमारा भारत कब मनाएगा चौदह जुलाई को या तेईस अगस्त को तो पहुंचा कब था तेईस तारीख को तो 23 अगस्त को इसको मनाने की घोषणा हमारे भारत के अंदर की किसने थी ये घोषणा दोस्तों याद रखना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा कर दी थी कि 23 अगस्त को हमारा भारत मनाएगा नेशनल स्पेस डे यहीं पर आपसे पूछा जाएगा ये चंद्रयान थ्री है तो चंद्रयान प्रथम हमारे भारत ने लॉन्च कब किया था तो चंद्रयान अगर आपसे दोस्तों प्रथम की बात की जाए चंद्रयान प्रथम को शॉर्ट में लिख लेना दोस्तों सी एच वन तब याद होगा आपको चंद्रयान जो फर्स्ट था ये हमारे भारत ने कब लॉन्च किया था ये हमारे भारत ने दोस्तों 2008 दो में लॉन्च किया था ये फेल हो गया था इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया था पी एस एल वी इसको दोस्तों पी एस एल इसको पी एस एल वी एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा -लार्ज, लार्ज सी इलेवन के द्वारा हमारे भारत ने लॉन्च किया था अगर आपसे यही पूछा जाए भारत ने दोस्तों चंद्रयान द्वितीय भी लॉन्च किया था हाँ जी बिल्कुल लॉन्च किया, किया था किस रॉकेट के द्वारा जी एस एल वी इसको जी एस एल वी एम के जी एस एल वी एम के थर्ड रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था यह भी आपका फेल हो गया था ये दोनों ऐसे मिसाइल थे दोस्तों जो पूरी तरीके से फेल हो गए थे इसी प्रकार से और क्वेश्चन बताओ ये भारत का ये भारत दुनिया का एकमात्र देश दोस्तों ऐसा देश बना जहां पर हमारा भारत किस पे पहुंचा मून पर तो पहुंचा है मून पर पहुंचने वाले चार और देश अन्य हैं चार चौथा देश बना लेकिन मून पर दोस्तों मून के मून के साउथ पोल पर मून के साउथ पोल पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश जो बना उस देश का नाम दोस्तों इंडिया होगा

शिव शक्ति दिया गया क्यों क्योंकि उस दिन आपकी शिवरात्रि थी तो शिव शक्ति दोस्तों इसका नाम दिया गया जहां पर इसने लैंड किया है लैंड जहां पर किया वहां से जो रोबोट निकला उसके अंदर से उसको क्या कहा गया उसको याद रखना दोस्तों इन्होंने प्रज्ञान नाम दिया है उसको नाम क्या दिया था उसको इन्होंने प्रज्ञान नाम दिया था ऐसे याद रखिए। एक बात आपको बता दें एक नाम पर याद रखना जो चंद्रयान-2 का था जो चंद्रयान टू जिसने दोस्तों लैंड किया था और लैंड करते ही वो दोस्तों सी आर ए सी एच हो गया क्रैश हो गया सी आर एस एच जो क्रैश हो गया था इस क्रैश के पॉइंट को भी एक नाम दिया गया उसको नाम दिया गया तिरंगा ठीक है वो जैसे ही उतरा वैसे क्रैश हो गया था लेकिन ये जो मिशन है ये क्रैश ना होकर ये आराम से रख गया था पहले वाला ऐसा उड़ रहा था जमीन थी उड़ के आया और क्रैश हो गया और अब की बार बहुत आराम से जगह पर ये रुक गया ये था आपका चंद्रयान थ्री और ये था आपका आदित्य एलवन जो दोनों आपने मेरे साथ कवर कर लिए हैं अगला क्वेश्चन देखो आज का सातवा हाल ही में किसने पीएम मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक याद रखना इंडिया का विमोचन किया है किसने दोस्तों इंडिया का विमोचन दोस्तों वर्तमान में किया है एक पुस्तक का विमोचन हाल ही में मेरे दोस्तों किया गया है अच्छा इस पुस्तक को सबसे पहले पुस्तक का पूरा नाम आपको हम बता देते हैं यहां मत बताओ ये वन लेदर निपटाओ पुस्तक का नाम आगे मिल जाएगा टाइम क्यों वेस्ट करना अमित शाह पीयूष गोयल पुष्कर सिंह धामी तो पुष्कर सिंह धामी जो होगा वह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यह कौन है याद रखना सीएम ऑफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, का नाम है रेसिलियंट इंडिया इसको पुष्कर सिंह धामी ने किया था लॉन्च इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है इस पुस्तक का पूरा नाम रेसिलियंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट याद रखना पेरेडिगम इस पुस्तक को लॉन्च किया पुष्कर सिंह लड़ाई दंगे मत किया अच्छा, करो क्लास में लड़ाई दंगे मत किया करो आप मुझे देखो मेरा तो एग्जाम भी नहीं है दोस्तों आप लोग एग्जाम दोगे आपको परेशानी होगी मुझे देख लो मेरा एग्जाम भी नहीं है और मुझे ना कोई फर्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता देखो आपको पता होगा दुनिया भर के टीचर्स पढ़ाते हैं सब कुछ करते हैं किसी के क्वेश्चन हैं किसी के नहीं फंसते हैं बगर चलते रहती हैं चीजें मुझे देख लो यार मैं खुद एग्जाम देकर आया हूँ अपना पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसा के आया हूँ अभी आंसर की भी अपनी दिखाऊंगा है तुम फिर भी नहीं पढ़ते हो तुम सिलेक्शन पे ध्यान दो क्यों दुनियादारी पे ध्यान दे रहे हो ना वॉचिंग पे ध्यान दो ना लाइक पे ध्यान दो किसी चीज पे ध्यान मत दो लाइक करना सब्सक्राइब करना ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करोगे भगवान आपको अच्छा, अच्छा। मतलब एक दूसरे पे यही चलता रहता है इंसान जो देता है फिर उसको भगवान भी देता है ये चीजें होती हैं मत करने दो करने दो क्या फर्क पड़ता है आप सिलेक्शन पे ध्यान दो इस इंडिया में अभी पढ़ाने वाले बहुत कम है टीचर लाखों है लेकिन ऐसा कोई नहीं जो एग्जाम वारंटी पढ़ाए वो गिने चुने हैं और वहां भी आप लड़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा पूर्णिमा जी कोर्स पढ़ सकते हो कंटेंट देख रहे हो वीर भगत जी सर बिना बैच के क्लियर हो सकता है सब बोलते हैं बैच के बिना नहीं होगा बिल्कुल मेरे भाई क्योंकि बैच में पैसा लगता है बैच में पैसा लगता है ना इसलिए सीधी सी बात है मर्जी आपकी है एसीआईयू का पेपर मैं खुद दूंगा और बताओ एसीआ का पेपर मैं खुद दूंगा खुश मर्जी आपकी भैया हम कुछ नहीं कह सकते मुझे पता है कि पैसा बहुत है और थोड़े दिन बाद हम भी अपना पेड कोर्स लॉन्च कर देंगे हम भी भी लॉन्च कर देंगे भाई जब पैसा लुटाना ही ही है तो लुटाओ फिर मुझे भी दो हाल में किसने अपनी की नई किताब माई लाइफ एज अ कॉमरेड पुस्तक को वर्तमान में लिखा है जितने जिसने भी पेड कोर्स लॉन्च किया है जो आपसे कह रहे हैं बिना पेड कोर्स के को सिलेक्शन नहीं होता उनसे बात एक चीज पूछ लेना ठीक है मैं पेड कोर्स ले लेता हूं मैं पढ़ूंगा मेरा मेरी आंसर की आएगी आपको स्क्रीन शॉट दिखाने पड़ेंगे कि इस पेड कोर्स में मैंने ऐसे पढ़ाया था ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है ले लेना फिर फिर ले लेना हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ माई लाइफ एज अ कॉमरेड सबसे पहले आज की एक पुस्तक इसका आपने कवर कर लिया आंसर अब आ जाओ लास्ट की पांच महत्वपूर्ण पुस्तकें हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक पुस्तक को दोस्तों लिखा है और विमोचन किया है इस पुस्तक को के केजा के, के द्वारा दोस्तों लिखा गया है पुस्तक किस्त के द्वारा लिखित पुस्तक कलेक्टिव स्प्रिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक को लिखा गया शेखर शशि शेखर वेम्पति ने इस पुस्तक को लिखा है तुम्हारे पेपर में आए किसके द्वारा सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक को लिखा गया सौराष्ट्र तमिल सौराष्ट्र सौ, तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है चौथा हाल ही में स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है अमित घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया पुस्तक का नाम है स्मोक एंड एसेज चौथा के बाद आता है पांचवा अपनी आत्मकथा आत्म का नाम क्या है इस आत्मकथा का नाम है क्रॉस कोर्ट इस क्रॉस कोर्ट पुस्तक को किसने लिखा अमिताभ अच्छा जयदीप दोस्तों मुखर्जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जयदीप मुखर्जी जयदीप मुखर्जी ने इस पुस्तक को लिखा है याद रखना क्रॉस को पांचवा क्वेश्चन खत्म अगला है आठवा हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक विरासतों के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 का किया गया आयोजन 2023 के 2023 का अंत 2023 के अंत का अंत का ये दोस्तों भारत का अंतिम कल्चर फेस्टिवल है ये हमारे भारत का कौन सा फेस्टिवल है कल्चर दोस्तों फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश के द्वारा दोस्तों होस्ट किया जाएगा तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ वह आपका उत्तर प्रदेश हो गया बहुत ही दोस्तों छोटा क्वेश्चन आपके सामने था इसका आयोजन कब से कब किया जाएगा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों इस फेस्टिवल का आयोजन जो होगा यह याद रखना आपके 25 दिसंबर अभी चुना गया है 25 दिसंबर 2023 इसका शुभारंभ होगा ये फेस्टिवल 26 जनवरी 26 जनवरी 2000 दोस्तों 24 तक किया जाएगा इस फेस्टिवल की कोई थीम भी है हाँ जी इस फेस्टिवल की दोस्तों एक थीम भी इनके द्वारा रखी गई है ठीक है इस पुस्तक के सर जी थीम का नाम क्या है इस पुस्तक का जो थीम है उसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश उस पुस्तक के जो थीम है उसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश पर्व उत्तर प्रदेश पर्व आर कल्चर उत्तर प्रदेश पर्व आर कल्चर आर आई आर आइडेंटिटी इस पुस्तक का ना, इस पुस्तक की थी मतलब इस फेस्टिवल की थीम थी उत्तर प्रदेश पर्व आर कल्चर आई आइडेंटिटी इस वर्ष की दोस्तों थीम है क्वेश्चन ये भी आपका खत्म हो गया क्वेश्चन था एक प्रकार के फेस्टिवल से जो कल्चर फेस्टिवल से रिलेटेड था हमारे भारत के अंदर कल्चर फेस्टिवल से संबंधित 2023 का पैरा फेस्टिवल का वोश किया गया था ये अंतिम है तेईस का पहला का होस्ट किया गया था 11 जन 11 फरवरी से लेके याद रखना दोस्तों 11 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक ये मुंबई महाराष्ट्र में होट की होस्ट किया गया था आजाद मैदान में पहला और अंतिम उत्तर प्रदेश में दोनों खत्म एक बार में रिवीजन मैथपुर फेस्टिवल का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में किस राज्य में दसवा कलिंग साहित्य महोत्सव वन लाइनर निपटाना कलिंग साहित्य फेस्टिवल को दोस्तों भारत के किस राज्य के द्वारा क्या किया गया है मेरे दोस्तों किया गया है किस राज्य के द्वारा वर्तमान में कलिंग साहित्य फेस्टिवल घोष किया गया कलिंग राज्य कौन सा है दोस्तों उड़ीसा उत्कल के नाम से जानते हो दूसरा देखो हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया ग्वालियर भी है और प्रयागराज भी याद रखना लेकिन यहां पर आंसर ग्वालियर पेपर में अच्छा प्रयागराज ग्रंथ लग गया था उस दिन ग्वालियर सही होगा हाल ही में और कोजी को किया गया लिटरेचर के लिए कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल आंसर कर्नाटक के बगल में याद रखना श्रीलंका पेपर में कहा जाए हाल ही में पांच दिवसीय यशांग उत्सव कहा मनाया गया यशांग उत्सव भारतीय राज्य मणिपुर में मनाया जाता है अंतिम हाँ, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौदवे राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कहा चौदहवें तो का शुभारंभ जो हुआ था वह राजस्थान में और आज आपने अंतिम मनाया है जो उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक चलेगा आज का दोस्तों नौवा और दसवां क्वेश्चन जो है वो आपका वन लाइनर होगा दसवां क्वेश्चन जो होगा वो वन लाइनर होगा लेकिन नौवा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्यों बड़ा है इसमें ऐप एंड पोर्टल है तो नौ क्वेश्चन रिविजन वाले भी हैं पूरा साल खत्म हाल ही में केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय ने भारत के किस नाम से मूल्यांकन और निगरानी मंच को लॉन्च किया सबसे बड़ी बात है हमारे भारत के अंदर ऊपर क्वेश्चन उसमें क्या दिया गया याद रखना ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा तो उस मिनिस्ट्री का जो नाम होगा वो होगा अर्बन एंड इस मिनिस्ट्री का जो नाम है दोस्तों वो होगा आपका अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स इस मिनिस्ट्री का जो नाम है अर्बन एंड अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स है यह दोस्तों आपकी मिनिस्ट्री है ठीक है यह आपकी मिनिस्ट्री है इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इस क्वेश्चन में यह आएगी कि अगर मान लो इसने लॉन्च किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है इसके मिनिस्टर का दोस्तों नाम क्या होगा इसके कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पहले इसके कैबिनेट मिनिस्टर का सर नाम क्या है तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा इनका नाम होगा हरदीप सिंह हरदीप सिंह पुरी आपके पेपर में कहा जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का सर नाम क्या होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का नाम जो होगा वो कौशल किशोर होगा क्या नाम है कौशल किशोर अगर आपके पेपर में सेक्रेटरी की बात पूछ दी जाए सचिव कौन है इस मिनिस्ट्री का जो आईएएस ऑफिसर होता है उसका नाम दोस्तों मनोज जोशी होगा किस मूल्यांकन यानी कि दोस्तों आवास और शहरी मामलों में जो योजना लॉन्च की जाती है उनको मॉनिटर करने के लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया इस पोर्टल का नाम जो होगा वो एम्प्लीफाई 2.0 तो याद रखना एम्प्लीफाई वेलकम टू एम्प्लीफाई तो एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है ये नौवे क्वेश्चन का आंसर बीस द करेक्ट आंसर एम्पलीफाई 2.0 मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो एम्पलीफाई 2.0 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स लॉन्च पोर्टल एम्पलीफाई 2.0 क्वेश्चन खत्म एग्जाम ओरिएंटेड नौ क्वेश्चन आपके सामने में पहला क्वेश्चन भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल किसने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मित्र पार्क मित्र पार्क था ना कपड़ों से रिलेटेड उससे लॉन्च किया है भारतीय वस्त्र एवं कोष याद रखना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो तुम्हारे पेपर में आ जाए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम क्या है उस पोर्टल का नाम क्या है ये क्वेश्चन यूपी ट्रिप्लसी पैट में दूसरी या तीसरी सिट में देखो जाके पूछा गया था मैंने करवाया था ऐसे ही इमेज के साथ में सुस्वागतम अगर आपको अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को देखा होगा तो हंड्रेड परसेंट आंसर मार के आओगे नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं है सुस्वागतम अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा किस मंत्रालय ने सेंट्रल रजिस्ट्र रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया देखो किस मंत्रालय ने सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री का नाम Of पेपर में कहा जाए कौन सा राज्य लंदन स्थित राज्य इतना गुजरात जो ऐसा कदम उठाएगा किस मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार जीता है किस मंत्रालय के द्वारा ने जीता मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल के लिए हरियाणा सरकार प्रशासनिक सचिवों को सक्षम करने के लिए किस पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू करेगी पोर्टल का नाम क्या नंबर छह पर ई समीक्षा कहा है ई समीक्षा हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल तो सिर्फ पेपर में आएगा ई समीक्षा पोर्टल आंसर हरियाणा मार देना क्वेश्चन सातवा इसी का एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया हिम डेटा पोर्टल खुद सोच के देखो हिम कोई ऐसा राज्य दोस्तों जो हिम समझ रहे हो ना तो ऑप्शन देखो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश हो गया आ, मतलब ये तो मिनिस्टर है ही नहीं भगवंत मान आपके पंजाब वहां पे इतनी सर्दी है नहीं और दिल्ली तो हो ही नहीं सकता अनुराग ठाकुर कभी होंगे नहीं सुखविंदर सिंह सक्खु वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आंसर कौन सा हो गया सुखविंदर सिंह सखू आठवां देखो संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया संचार साथी याद रखना अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और अंतिम क्वेश्चन ई ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन किया जहाज रानी मंत्रालय के मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा नौवे क्वेश्चन के नौ क्वेश्चन रिवीजन के साथ करवाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो रिवीजन ज्यादा करवा दिया सारे पोर्टल खत्म आज का अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में एंड्री रजो एलिना को एक बार फिर से देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया एक ऐसा राष्ट्रपति दोबारा बन गया राष्ट्रपति का नाम है एंड्री रजो एलिना और एंड्री रजो एलिना अफ्रीकन कंट्री मेगा मेडागास्कर करके नए राष्ट्रपति दोबारा से दोस्तों वर्तमान में चुन लिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बहुत ज्यादा क्या किया है दोस्तों शुभकामनाएं दे दी हैं ऐसा आप लोग याद इस क्वेश्चन को रखोगे ठीक है ठीक है इनका जो पहला पहला कार्यकाल था पहला कार्यकाल 2019 से लेके दोस्तों 2023 तक था और इनका दूसरा कार्यकाल 2023 से दोस्तों अब जब तक चलेगा तब तक तो चलाएंगे तक इनका कार्यकाल आपको याद रखना है बात कदम ये बात आती है दोस्तों आपकी मीना गास्कर की और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज्यादा इनको शुभकामनाएं दी है तो याद रखना एंड्री रेजोलिना री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मीडा गास्कर पीएम कॉन्ग्रेचुलेशन एंड्री रेजोलिना ऑन हिज री इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर खुद को भी पता है खुद भी प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा बनने वाले हैं तिबारा वो भी तो खुश तो होंगे ही दोनों लोग ठीक है क्योंकि हम किसी को सहारा देंगे कि भैया बहुत शुभकामनाएं तो मोदी जी को भी बाहर से मिलेगी सबसे पहले बात की जाती है दोस्तों आपके मेडागास्कर मेडागास्कर देश की मेडागास्कर जो देश है किस कॉन्टिनेंट में स्थित है याद रखना दोस्तों ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट से में है लेकिन हटके स्थित है एक प्रकार का टापू टाइप का बना हुआ है अगर आपके पेपर में कहा जाए इस देश की कैपिटल को आप लोग क्या कहते हो कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों राजधानी राजधानी का ना उसका तो नाम क्या है तो राजधानी का नाम उसका होगा एंटाना एंटाना नारिवो एंटाना नारिवो दोस्तों इसकी वर्तमान में कैपिटल का नाम है इस देश की अगर आपसे पूछा जाए सर मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं एरीरी एरीरी याद रखना इस देश की मुद्रा है आपके पेपर में राष्ट्रपति पता चल गया इस देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है क्रिश्चियन क्रिश्चियन इसके पीएम है पीएम है अगर आपसे कह दिया जाए इस देश के अंदर भारतीय राजदूत का नाम क्या है भारतीय राजदूत का नाम होगा अभय कुमार इस देश में भारत के राजदूत का नाम क्या है तो याद रखना दोस्तों अभय कुमार इस देश के वर्तमान में आपके राष्ट्रपति बन जा, वो क्या नाम भारत के राजदूत बन जाते हैं ये चार पांच पॉइंट आपको एडिशनल याद रखने पड़ेंगे मीडा गास्कर न्यूज में था मीडा गास्कर के में वर्तमान में दोस्तों एक तूफान आया था उस तूफान का नाम आपको याद रखना है इमानाति तो इमानती तूफान वर्तमान में कहां आया तो ये रहा आपका अफ्रीका दोस्तों अफ्रीका के इस मेड़ा गास्कर में आया था ये वही अफ्रीका है दोस्तों जिसकी अफ्रीकन यूनियन में जिसकी अफ्रीकन यूनियन में कुल देशों की संख्या 55 है और अफ्रीकन यूनियन जो है वो वर्तमान में किस में ऐड हो चुकी है तो याद रखना जी में ऐड हो चुकी है अभी दो से तीन दिन पहले हमने आपको इसके बारे में सब कुछ पढ़ाया है करंट अफेयर में शायद स्टैटिक में रेगुलर रही होगी तो पता होगा नहीं तो कोई बात नहीं लास्ट सिक्स मंथ के सारे प्रधानमंत्री जो नए नियुक्त हुए हैं आपके सामने हैं लास्ट सिक्स मंथ के ली चाइना, एना सर्बिया उल्फ क्रिश्चियन स्वीडन अनवर इब्राहिम मलेशिया बेंजामिन नेत नेहाउ इजराइल मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब क्रिश हिपकिंस न्यूजीलैंड के इकतालीसवें प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रह, अब्दुल रहमान अल थानी कतर ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के याद रखना सत्तावन में प्रधानमंत्री बन चुके हैं इस प्रकार से हमने आपको आठ से नौ विभिन्न देशों के नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है ये सारे प्रधानमंत्री हैं नए प्रधानमंत्री हमने आपको सारे कवर करा दिए हैं याद रखिएगा

अभिजीत और आपकी गुड़िया कुमारी तीन स्टूडेंट में तीनों का जो आंसर आया वो याद रखना सर रामास्वामी चेट्टी रामास्वामी चेट्टी और रामास्वामी चेट्टी क्वेश्चन का आंसर रामास्वामी चेट्टी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों याद रखना आर के आर के सन्मुख चेट्टी इज द करेक्ट आंसर ठीक है अब बात आती है आपके कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन और अगर जो स्टूडेंट सबसे पहले टॉप थ्री में आंसर देंगे उनका नाम कराएगा टॉप थ्री में तो घर के लिए क्वेश्चन है सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सिरियस को डैश भी कहा जाता है जब हम लोग सौर मंडल की बात करते हैं सौर मंडल के बाहर कुल कितने तारे हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं स्टैटिक जीके में करंट अफेयर की क्लास मेरी याद रखना एक करंट और स्टैटिक दो लेते रहो पूरा पेपर तुम्हारा स्वाहा चाहे भारत का कोई भी एग्जाम दोगे 2024 में ACC ACIU का एग्जाम मैं खुद दूंगा आप भी दोगे और आंसर की हम अपने यहां शो करेंगे दिल्ली व्लूस्को का जो एग्जाम हो चुका है आज आंसर की शायद आ चुकी है मैंने लिंक ग्रुप में डाल दी है उस लिंक पे क्लिक करो अपनी आंसर की डाउनलोड करो और

ऋषि सुनक हाँ भारतीय मूल के हैं सर अभय कुमार की जगह है भंडारू ने ले ली 2022 में अच्छा ओके हम एक बार डन कंफर्म कर लेंगे मेरे हिसाब से अभय कुमार ही हैं फिलहाल में लेकिन देख लेंगे जो भी होगा ठीक है रियो जी रुचि तिवारी अलका कुमारी अश्मिता ऋचा अवले अवलाश सचिना ठीक है डन तोमर कफ्ता जी डन ये आज की लास्ट से थोड़ी सी क्लास आज डीप थी क्योंकि डीप का मतलब ये था रिविजन थोड़ा अच्छा था और ज्यादा था इसलिए ठीक है अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको रिवीजन से परेशानी हो तो हम आपको बता दें अगर आपको रिवीजन से परेशानी है फिर एक ही बात आती है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो सिलेक्शन आपको दिला दे पढ़ने वाली बात अलग है लेकिन रिवीजन करने वाली बात उससे भी खास और सबसे अलग है सबसे जुदा है ठीक है चलिए हर क्वेश्चन के बाद जो पांच पांच छह छह क्वेश्चन करते हो सिलेक्शन उन पर टिका हुआ है आपका ठीक है और अगर रेगुलर रहे तो मेरा परफॉर्मेंस रेगुलर होगा हरि भाई जी थैंक यू सर जी लव यू सर लव यू ब्रो कश्यप मिश्रा भैया ठीक है पूजा दीम, दीमन जी ठीक है जूही खातून जी प्रेम सिंह भैया आकाश काफी स्टूडेंट मुझे नए दिख रहे हैं जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके विशाल सर आपके लिए भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं रिकॉर्ड ये है इंडिया के अंदर लाइव वाचिंग का

खुलेआम यूट्यूब पर देना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों ठीक है इंडिया के अंदर जीके जीएसई विशाल सर यूट्यूब चैनल पर पहली बार ऐसा होने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा रिकॉर्ड ये है दिल्ली पुलिस का एग्जाम भारत के बहुत से स्टूडेंट ने दिया है और उस स्टूडेंट की गिनती में एक टीचर भी यानी कि मैं भी हूं और दिल्ली पर उसका जो मेरा एग्जाम हुआ है ऐसा आप पूरे यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं होगा जो अपने आंसर की दिखाए कि की जीके जिस पढ़ाता हूं और मेरे जीके जिस में कितने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हुए जो आप पेपर करके आए हो मैं भी करके आया हूं इसकी आंसर किसी की इसी चैनल पर जीके जीएसई विशाल सर पर हम आपके सामने लाने वाले हैं

वादे के अनुसार तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच